तो आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हरियाणा के बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर हैं, और हम सब हरियाणा से ही हैं, तो इट्स वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल प्राउड मोमेंट वी आर गोइंग टू स्टडी डेफिनेटली हरियाणा के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, है ना। बहुत कुछ हमको पता भी है और बहुत कुछ जान लेना भी बहुत बाकी है। तो कहता है कि हरियाणा जो है इंडिया का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। 1966 के अंदर अपने को पता है कि इसकी स्थापना हुई थी। तो अर्थव्यवस्था के सभी विकास के जो भी हैं हमने सभी एफर्ट्स किए हैं और इसका कंटिन्यू विकास किया जा रहा है, हो भी रहा है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो भी रही है। तो इसकी जो इकोनॉमी है, अगर हम इसकी इकोनॉमी को, हरियाणा की इकोनॉमी को अगर हम स्टडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता चल जाता है क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितनी हमारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। तो इसका हमको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। तो कहता है कि हरियाणा भारत का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। अलग रूप से इसका उदय हुआ था 1 नवंबर 1966 को, जो विशाल, जो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का केवल 1.34% हमारा एरिया कवर करता है, और अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो ये 2.1% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के अंदर है। इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें तो हरियाणा में है। तो हरियाणा की इकोनॉमी के अगर हम पूरे के पूरे स्वरूप को समझने की बात करें तो इसके हमको काफ़ी सारे टॉपिक्स को स्टडी करना होगा, काफ़ी सारे एस्पेक्ट को हमें स्टडी करना होगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारी इसकी भौगोलिक विशेषताएँ, बोले तो ज्योग्राफिकल फीचर्स की अगर बात करें तो हरियाणा का कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 1.34% है। और हरियाणा की राजधानी जो कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है, और इसमें 22 प्रशासनिक जिले, 71 उप डिवीज़न, 93 तहसील, 154 कस्बे, 6841 गाँव हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं तो आप देख लेना। फिर आगे बात करें डेमोग्राफी की, बोले तो जनांकी की, तो हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो कुल जनसंख्या है वो 2.54 करोड़ है। हालांकि जनसंख्या दोबारा भी काउंटिंग हो चुकी है, अपडेट कर लेना आप। तो भारत की कुल जनसंख्या का ये कितना है, 2.09% है। तो जनसंख्या घनत्व देखें तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और भारत में अगर सेक्स रेशो देखें, लिंग अनुपात देखें, तो ये कितना है, 879, जो चिंता का विषय है। तो इस चिंता को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार की एक योजना भी हमने स्टार्ट की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किस कब स्टार्ट की थी, 22 जनवरी 2015। तो अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, परसेंटेज आ रही हैं, तो आप साथ साथ नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से सारे MCQs निकलने वाले हैं। तो ये कब शुरू की गई थी, ये योजना को हमने शुरू किया था पानीपत शहर में। तो हरियाणा में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः इन्होंने दी हुई है 21.2, 6.1 और 36 प्रति हजार थी, 36 per 1000। और अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन की, यहाँ पर एजुकेशन की जो रेट है वो है 76.64%, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमने देखी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है वो है इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स। इकोनॉमिक्स इंडिकेटर के बाद में विस्तार से जाने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पर GDP, NDP और प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित किया जाता है। तो कहता है कि अगर हम 2011-12 के आंकड़ों को देखें, डेटा को देखें, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 1,06,085 रुपये, जो कि 2015-16 में बढ़कर कितनी हो गई थी, 1,62,034 रुपये। जबकि 2011-12 में अगर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो ये थी 1,06,685 रुपये, और 2015-16 में बढ़कर कितनी होगी, 1,33,591। इसके अतिरिक्त हरियाणा ने अपनी स्थापना के वर्ष से ही आर्थिक संकेतकों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया है, डेवलपमेंट हमारी काफ़ी ज़्यादा हुई है, और ये एक नीचे टेबल भी दी हुई है। तो टेबल को आप अपने आप स्टडी कर लेना। यहाँ पे जो टेबल है, टेबल के अंदर हमारे पास NDP, एट करंट प्राइस, एट कॉन्स्टेंट, पर कैपिटल इनकम, करंट प्राइसेस, फिक्स प्राइसेस, ये सब दिया हुआ है। 1960-61 का डाटा दिया हुआ है, 2004-05, 2011-12, 2015-16, तो ये सब डेटा दिया हुआ है, कंपैरिजन करा लेना। बट इसमें जो बेस ईयर इन्होंने लिया हुआ है पहले दो कॉलम्स के अंदर, वो लिया हुआ है 1960-61 या 2004-05 को। तो कहता है कि ये जो टेबल है, टेबल से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इंडिया के अंदर जो GDP है या NDP है, इसके अंदर पूरा अत्यधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। तो गोवा के बाद देखिए तो हरियाणा, जो प्रति व्यक्ति आय के एटीट्यूड से देखें तो गोवा के बाद हरियाणा दूसरे नंबर पे आता है। फिर अगला जो चौथा टॉपिक है, इसके अंदर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर। तो कहता है एग्रीकल्चर भारत के अत्यधिक राज्यों में इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट एरिया है, तो हरियाणा की इन्हीं राज्यों में से एक है।
क्योंकि हरियाणा के अंदर आपको पता है कि एग्रीकल्चर काम बहुत ज्यादा होता है, तो हरियाणा की कुल जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग एग्रीकल्चर पर या इससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है उसमें लगा हुआ है। तो भारत में कहते हैं कि हरित क्रांति का भी आगाज हुआ था, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में हरियाणा एक मुख्य खदान उत्पादक राज्य भी है। तो हरियाणा में लगभग सभी फसलों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है। तो जितने भी हरियाणा के अंदर जो फसलें हैं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने एक टेबल दी हुई है, टेबल के अगर हम देखें तो टेबल में हमारे पास 1967, 2004, 5, 13, 14, 14, 15, 15, 16 का डेटा दिया हुआ है। एक गेहूं का है, चावल का है, शुगर कैन गन्ने का है और सरसों का है, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास गिवन है। तो इन डेटा को अगर देखें तो इन डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है एग्रीकल्चर के मामले में भी। फिर बात आती है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रीज के विकास के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए यहाँ पर काफी सारे बेनिफिट पहले से ज्यादा हुए हैं। अगर हम 1967 में बात करें तो इंडिया के अंदर जो सूक्ष्म या लघु औद्योगिक इकाइयां थी वो केवल कितनी थी, 4519, जो 2015-16 में बढ़कर कितनी होगी, लगभग 95,000। तो यहाँ पर 1967 की तुलना में अगर देखें तो यहाँ पर 1986 हो गई है। तो 100 पहले ये 162 थी जो अभी 1986 है, तो इसमें कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिक स्पैन आगे थे, उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी हमारी हरियाणा में लग गई हैं। तो डेवलपमेंट देखा जाए तो काफ़ी हो चुका है, पहले लगभग ये 4,500 थी, अब लगभग 95,000 के करीब पहुंच गई है। तो कंपैरिजन के मामले में देखें तो हम इंडस्ट्रीज के मामले में भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। अगली बात करें अगर हम सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर के अंदर में देखें तो पहले सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा योगदान कितना है, लगभग 22.9% था, जो 2015-16 में बढ़कर कितना हो गया, लगभग 52% के अराउंड अराउंड हो गया। तो देखा जाए तो अपना जो हरियाणा है ये लगातार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, तो इसके अंदर भी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में कृषि है, पशुपालन है, खनन है आदि से होता है, जबकि जो सेकेंडरी सेक्टर है इसके अंदर विनिर्माण क्रियाओं से संबंधित है, और जो टेरिटरी सेक्टर है इसमें बैंकिंग, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आदि है। तो जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी के अंदर भी इन एरियाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास पूरी की पूरी टेबल दी हुई है, टेबल के अंदर हमारे पास प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर बोले तो थर्ड जो हमारा सेवा उद्योग है, सेवा वाला है, वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी टेबल हमारे पास 1966-67, 2001, 2, 10, 11, 11, 12, 12, 13 और 2016-17 की दी हुई है। तो परसेंटेज के मामले में देखें तो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का रोल पहले कितना था, यहाँ पर 56.6%, सेकेंडरी सेक्टर का 20%, टेरिटरी का लगभग 23%। और अगर हम बात करें 2016-17 की, यहाँ पर इसका हो गया है लगभग, यहाँ पर टेरिटरी सेक्टर का रोल बहुत बढ़ गया है। प्राइमरी सेक्टर का रोल जो पहले 56% था ये 17 पे आ गया है, ये 20.5 था तो ये 56 पे चला गया है, ये 22 पे था तो ये लगभग अभी 52% के अराउंड अराउंड चला गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का रोल जो बहुत बड़ा बढ़ गया है इंडिया के अंदर, हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये भी अपने को देखना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास की अवधारणा क्या है, आर्थिक विकास से किस प्रकार भिन्न है। तो आर्थिक विकास और अपने पास एक आर्थिक वृद्धि, ये दो टॉपिक होते हैं, एक होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले जो बात है हमारे पास ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है। यहाँ पर दो टॉपिक हमको स्टडी करने को मिल रहे हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ से मतलब है कि इकोनॉमी के में जो क्वांटिटी फॉर्म में जो भी पॉजिटिव टाइप से जो चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक में फैक्ट्री, मशीन, इनकम में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव चेंजेस के ऊपर बेस है। तो जैसे कि अगर हम बात करें इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी आना, लोगों के जीवन के स्तर में वृद्धि होना, इसमें जो परिवर्तन है इसको हम बोलते हैं आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास ये हो गया। अब बात करें कि आर्थिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं, तो आर्थिक विकास की जो भी अपने को मेन फीचर स्टडी करने को मिल रहे हैं वो क्या है, पहला है रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज, बोले तो असमानताओं में कमी। आर्थिक विकास की जो मुख्य विशेषता है वह असमानताओं में कमी है। यदि किसी इकोनॉमी में असमानताएं पाई जाती हैं तो धनी व्यक्ति अधिक धनी हो जाएंगे और जो निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन हो जाएंगे।
तो अपने को ध्यान रखना है कि अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है तो क्या है, पैसा अमीर लोगों के पास ज्यादा इकट्ठा होता रहता है और अमीर गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते रहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने पर भी आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा और असमानताओं में कमी आने का स्वरूप भी लोग अपने वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से लाभान्वित हो पाएंगे और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो पाएगा। दूसरी जो बात है वो है रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। एक देश की इकोनॉमी में आर्थिक विकास के फलस्वरूप रोजगार में वृद्धि होती है, ठीक है। तो रोजगार अगर अच्छा नहीं है, अवसरों में कमी है तो रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो रोजगार की भी वृद्धि यहां पर हम बात लेकर आते हैं। जो तीसरी बात है वो है इंक्रीज इन द रियल पर कैपिटल इनकम एंड द स्टेट इनकम। तो आर्थिक विकास का मुख्य सूचकांक क्या होता है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय या राज्य आय में वृद्धि होना। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक। चौथा जो टॉपिक है वो है मानवीय विकास में वृद्धि। मानवीय विकास के अंदर अगर वृद्धि बात करें तो लोगों के स्वास्थ्य में स्तर में वृद्धि, एजुकेशन में, हेल्थ में, उनकी कैपेबिलिटीज में, उनको पौष्टिक आहार में, जीवन अवधि में वृद्धि, तो ये सभी मानवीय विकास से जुड़ी वृद्धियां आरंभ हो जाती हैं। फिर पांचवा है निर्धन व्यक्तियों को लाभ, प्रॉफिट टू द पुअर पीपल। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट आजकल बीपीएल परिवारों को काफी सारी फैसिलिटी देती है ताकि उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं वो पूरी कर पाए, तो ये सारे के सारे टॉपिक भी इसी के अंदर आ गए। फिर इसी तरह से इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, तो जैसे कि इसमें बात करें बैंक की, स्कूल की, कॉलेज की, बीमा कंपनी, रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल, ये सारी की सारी आते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो सातवां पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे अपने पास एनर्जी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, रिसर्च सेंटर की बात करें, अगर इनमें इंक्रीज हो रहा है, इनका डेवलपमेंट हो रहा है तो अपना डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिर दीर्घकालीन विकास में वृद्धि, तो मतलब यदि अर्थव्यवस्था में पांच से अधिक वर्षों तक विकास होता है, यदि इकोनॉमी में पांच या पांच से ज्यादा वर्षों तक विकास होता है तो इसे हम कहा जाते हैं कि इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को भी हम डेवलपमेंट के टॉपिक में लेके चलते हैं। फिर बात आती है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसकी रियलिटी में आवश्यकता है क्या, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये रियलिटी में इसकी जरूरत क्यों है। सिंपल सी बात है भाई, पूंजी निर्माण के अंदर दर में वृद्धि होगी, तो किसी भी देश की अगर आर्थिक विकास की बात करें तो मुख्य आवश्यकता देश की पूंजी के निर्माण में वृद्धि करना है, कैपिटल फॉर्मेशन में। तो एक जो अल्प विकसित देश होता है कि पूंजी का निर्माण दर बहुत कम होती है, आर्थिक विकास के फलस्वरूप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थ्रू क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी तो वो सेविंग करेंगे तो वो लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं पर क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन की वृद्धि करने से सहयोग दे सकते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो दूसरा है वो है कृषि निर्भरता पे कमी, तो लोग कृषि पर ज्यादा निर्भर रहते हैं जिससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी रहती है। तो आजकल हमने देखा है, जो टेबल हमने देखी थी, आजकल हम सेकेंडरी सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर बोले तो सेवा क्षेत्रों पर ज्यादा आगे बढ़ने लगे हैं। फिर जीवन स्तर में सुधार होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आजकल लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, जैसे उनको पौष्टिक भोजन, कपड़े की बात करें, मकान, हेल्थ फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, तो इससे उनके लोगों का जीवन का स्तर भी ऊंचा हो जाता है। फिर दूसरे देशों पर निर्भरता में कमी, सिंपल सी बात है, जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो इससे क्या होता है, हम दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना बंद हो जाते हैं, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो पर कैपिटल पर पर्सन इनकम या जो स्टेट की जो इनकम होती है उसके ऊपर भी हम अच्छी ग्रोथ हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और छठी बात क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है ताकि जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका हम प्रॉपर यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, तो अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते तो उनका नुकसान होता है और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली राज्य का नुकसान और देश का नुकसान होता है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि निर्धनता के दुष्चक्र को हम तोड़ सके। हमने पीछे से पीछे वाली वीडियो में क्या देखा था कि हमारे पास निर्धनता का दुष्चक्र चलता रहता है, परिवार में गरीबी है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही, बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उनकी एफिशिएंसी या उनकी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो गरीबी के अंदर ही बच्चा काम करना स्टार्ट कर देता है, पढ़ पाता नहीं है, तो वही बेरोजगार बच्चा बेरोजगारी वाले तरीके से काम करता है, कहीं ना कहीं वही काम धंधे लगा रहता है और वो पूरी फैमिली फिर ऐसी चलती रहती है, आगे भी गरीबी चलती रहती है, तो गरीबी का दुष्चक्र कंटिन्यू रह जाता है। मान लो कोई बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ है, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स लोन लेते हैं, लोन लेने से ब्याज का भार आता है, ब्याज के चक्कर के अंदर बच्चे काम करने स्टार्ट कर देते हैं, अब बच्चे छोटी छोटी उम्र में काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो पढ़ाई तो मिल नहीं पाई, अब पढ़ाई नहीं मिल पाई तो काम भी छोटे मोटे करेंगे, काम छोटे मोटे करेंगे तो पूरी की पूरी वही गरीबी, तो सर्कल ऐसा उस परिवार के अंदर ऐसा चलता रहता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो अगला फंडा है, जो जरूरत है,
ताकि हम जो निर्धनता का जो दुष्चक्र परिवारों में शुरू हो जाता है ना, उसको तोड़ना भी है। तो इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है। अब बात आती है कि भारत की जो हमारा हरियाणा है, इस हरियाणा के अंदर जो इकोनॉमी की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो इन छोटी छोटी समस्याओं से हम सभी अवेयर है। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर पूरी की पूरी इनकम लेके चलते हैं, 6 महीने काम कर रहे हैं, 6 महीने काम नहीं कर रहे हैं। बट अभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस लोगों में आ गई है। ये टॉपिक है, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों में भी अवेयरनेस जाग रही है, लोग काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने लोग काम करते हैं गाँवों में, खेतों में 6 महीने खाली बैठे रहते हैं। अब पहले वाली बातें नहीं है, कहीं ना कहीं टेक्निकल चेंजेस आ रहे हैं, पर फिर भी हमको बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक बार टॉपिक तो समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो पहली प्रॉब्लम है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के ऊपर है। तो काफी टाइम हम एग्रीकल्चर का काम करते हैं और काफी टाइम हम अनएम्प्लॉयड भी रह जाते हैं। फिर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पड़ा, वो भी अच्छा नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो हरियाणा के अगर बात करें तो काफ़ी जगहों पे अभी भी अगर आप अपनी सिटीज में देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बस में देखें तो इतना क्राउड होता है, जितनी बसेज होनी चाहिए होती नहीं है, है ना। कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज, बैंकिंग की फैसिलिटीज, इतना क्राउड रहता है। कुछ बैंकों के अंदर तो चले जाओ तो वहाँ पे आपकी पासबुक ही कंप्लीट नहीं होती है, क्राउड रहता है बैंकों के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी प्रॉब्लम है पड़ी। फिर इनबैलेंस ग्रोथ, कुछ सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुकी है और कुछ जगह ऐसी हैं जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। सड़कें भी अच्छी नहीं है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन भी कई बार जगहों पर अच्छा नहीं जाता, गलियाँ भी टूटी फूटी हैं। तो कहीं कहीं पर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी है और कहीं कहीं पर डेवलपमेंट हुई नहीं है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। फिर हम बात करें तो कहीं पर लोगों का जो माइंड सेट है वो अभी भी संकुचित है, नैरो माइंड सेट है, पिछड़ापन है पड़ा कहीं पर, मानसिकता कारण यहाँ पर वहाँ पर लेबर नहीं मिलती है या आर्थिक विकास नहीं हो पाता या लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से लोग खुश नहीं रहते। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। जैसे पैसे वाले को और ज़्यादा पैसा चाहिए, जिनके पास पैसा नहीं है वो वैसे दुखी हैं, है ना। जिनके परिवार में बच्चे हैं वो दुखी हैं, जिनके परिवार में बच्चे नहीं है वो दुखी नहीं है। तो कहते हैं ना जैसे इंसान को संतुष्टि तो कहीं से मिलती नहीं है, तो वैसे ही हरियाणा में भी काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं जो लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से ही खुश नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहने के चक्कर में आगे घूम रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, कुछ नैरो माइंड सेट भी है। फिर अगर हम बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर यहाँ पर लिंग अनुपात की जो नियमित स्थिति है, तो ये आपको तो पता ही है। जो हमारा सेक्स रेशो है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 879 था। अभी डेटा कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं है। तो इस जो रेशो के चक्कर के अंदर हरियाणा के अंदर पानीपत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये भी कहीं ना कहीं अप्लाई हुआ था। फिर है पड़ा फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो पता ही है, पूरा का पूरा बच्चों को थ्योरी का नॉलेज दिया जा रहा है। प्रैक्टिकल नॉलेज अभी शायद कहीं पर स्टार्ट हुआ होगा तो पता नहीं है, हो भी चुका होगा, बट पूरा थ्योरी नॉलेज दिया जा रहा है। थ्योरी में पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं किताबों में, सुबह उठते होते किताबें पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल हो नहीं रहा है। तो टेक्निकल नॉलेज तो बच्चों को ज़्यादा मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिल भी रही है तो वो बहुत कम एरिया है, कुछ स्पेशल एरिया तक ही है, अदरवाइज टेक्निकल नॉलेज बच्चों को कम मिल रही है। फिर लोगों की इनकम बहुत कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा है ना, ये बात आप सबको पता ही है। फिर पूंजी निर्माण की निम्न दर, लोगों की सेविंग तो होती नहीं है। अब सेविंग नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो लोग कहीं पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाती, तो ये भी पंगा है यहाँ पर। कुछ करप्शन भी है, ये बात तो अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। भ्रष्टाचार है ना, हर जगह पर भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये पता भी नहीं है कि कहाँ कहाँ चल रहा है। कोई कहता है कि पेपर पास हो गया और कुछ का पेपर पास होने से पहले नौकरी लग गई है, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अंदर है, कौन से एरियाज में आप कुछ भी आइडेंटिफाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हरियाणा का जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, ये सारा हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो इस पे मेरा कोई पर्सनल जजमेंट या पर्सनल कंसेप्शन नहीं है, ये जो आपका बुक का डेटा जो इकोनॉमिक जो हरियाणा का जो दिया हुआ है डेटा बुक के अकॉर्डिंग, मैं बस वही स्टडी कर रहा हूँ, इसमें मेरी कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस पर अपना भी कोई माइंडसेट बना लेना, कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट मत करना। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की स्थापना का इकोनॉमिक्स के अंदर परिदृश्य, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी देख लेते हैं। कहता है कि हरियाणा की स्थापना के बाद से हरियाणा ने हेल्थ, न्यूट्रिशन,
एजुकेशन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, सभी क्षेत्रों के अगर हम डेटा को चेक करें तो हमको लगता है कि हमने बहुत प्रोग्रेस की है। तो इसका हरियाणा की प्रोग्रेस का विदेशी व्यापार पर भी, ठीक है, पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम लगभग ऐसी ऐसी बातें ही स्टडी करने वाले हैं। तो अपनी स्थापना के वर्ष से ही अब तक लेकर हरियाणा की इकोनॉमी ने कई सारे चेंजेस को, काफ़ी सारे चेंजेस को देखा है और इसका काफ़ी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है। तो इसको देखने के लिए हमको थोड़ा स्टडी करना होगा। तो पहले हम हरियाणा की स्थापना के बाद क्या हुआ था, 1971 में पहली बार इसकी जनगणना की गई थी, फिर 2011 में भी की गई है और इनकी डेटा को देखकर हम कुछ पॉपुलेशन का ट्रेंड भी देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर दिया हुआ है बर्थ डेट, डेथ रेट, है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब दिया हुआ है। तो 71, 81, 91, 2001, 2011 और ये डेटा कहीं ना कहीं अभी आपको अब वाला भी मिल गया होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये टेबल हमारे पास दी हुई है, पॉपुलेशन का ट्रेंड हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारे पास है क्या, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या अगर हम बात करें 1971 में तो जनसंख्या हमारी थी पड़ी लगभग 1,00,36,431, ठीक है, 1 करोड़ लगभग 36,000 के करीब करीब थी। अब ये लगभग 2011 में लगभग दुगनी हो गई है, लगभग 2,53,00,000 के करीब करीब कह सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या पंचकुला में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कह रहे थे लोग, बट कुछ भी डेटा अगर आपको लगता है कि चेंज हुआ है तो देख लेना। तो हिसार को बोल रहे हैं, हिसार हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, जिसमें लगभग 17,00,000 पॉपुलेशन अकाउंट करके चल रहे थे और लगभग 5,00,000 के साथ पंचकुला को सबसे कम पॉपुलेशन वाला एरिया काउंट कर रहे थे। तो अभी भी अगर आपके पास कोई अपडेटेड डेटा है तो आप चेंजेस कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बुक्स हो सकता है कि 2 साल पहले की पब्लिश हो, इट्स ओके, देख लेना। बट आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हमको ये डेटा कनेक्ट करना है, इस तरह का डेटा हम MCQs में कवरिंग होने वाले हैं, तो देख लेना। फिर अगर हम बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो यहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर से बात कर रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो ये वृद्धि दर पहले 32.22% थी, तो अगर हम 2011 की जनसंख्या देखें तो ये वृद्धि कितनी रह गई है, लगभग 20% रह गई है। बर्थ रेट की बात करें तो 1971 में बर्थ रेट कितनी थी, 42.1 थी, और परंतु शिक्षा के प्रसार में लोगों के बढ़ती जागरूकता, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी, हमारी जागरूकता बढ़ी, तो ये 21.8% रह गई, ठीक है, पहले 42.1 थी, अभी 21.8% रह गई। डेथ रेट की बात करें तो डेथ रेट यहाँ पर कितनी थी, 1971 में 9.9% थी, जबकि ये 2011 में कम होकर रह गई 6.5%। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो इसको भी प्रति व्यक्ति 1,000 पे माना जाता है, तो 1971 में ये शिशु मृत्यु दर कितनी थी, 72 थी, बल्कि अभी 2011 में जो भी पॉपुलेशन काउंटिंग हुई है तो इसके अकॉर्डिंग ये 44 हो गई है। तो जो भी अभी जो डेटा अपडेट है वो लोग अपडेट कर लेना आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है कि इस तरह के डेटा को आप लोग काउंटअप में ले सकते हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1971 के अकॉर्डिंग ये लगभग 227 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि अभी 2011 के अकॉर्डिंग ये 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो ये भी देख लेना। फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें काफी टाइप के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, तो जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो 1971 में हमारे पास डेटा अलग दिया हुआ है, 2011 में डेटा हमारे पास अलग दिया हुआ है दोनों मेल्स और फीमेल्स का। फिर अगर हम रेजिडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो रेजिडेंस के अकॉर्डिंग ये भी हमारा डेटा गांव के अकॉर्डिंग, शहर के अकॉर्डिंग अपने पास डेटा बहुत दिया हुआ है, तो 2011 के अकॉर्डिंग और ये इस तरह का डेटा हमारा 1971 के अकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, तो ये भी डेटा आप देख लेना। तो इसमें हमारा शहर में कितने परसेंट लोग रहते हैं, गाँवों में कितने परसेंट लोग रहते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम एज के अकॉर्डिंग देखें तो एज के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डेटा को डिवाइड किया हुआ है वो किया हुआ है 0 से 14, 15 से 59 या 60 साल से ज़्यादा, तो इसमें भी 1971 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग या अभी 2011 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग भी इन्होंने पूरा का पूरा डेटा आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिया हुआ है। सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो यहाँ पर अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये पहले 1971 में 867 था, जबकि 2011 के अंदर इन्होंने आपको डेटा अलग से दिया होगा। तो जब से हरियाणा की स्थापना हुई है उसके बाद से अगर हम बात करें, अगर हम हेल्थ के टॉपिक को लेकर, तो हेल्थ के मामले में भी हमने काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट किया है। तो हेल्थ के मामले में अगर हमने टेबल की बात करें तो
कहता है कि एक व्यक्ति को स्वस्थ उस स्थिति में माना जाता है कि जब किसी भी प्रकार की फिजिकल, मेंटली या इमोशनल प्रॉब्लम से दूर हो। तो स्वस्थ को एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटक के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति से ही उसकी योग्यता, काम करने की क्षमता, प्रोडक्टिविटी, कुशलता प्रभावित होती है। कहता है कि अगर इंसान स्वस्थ है तो वो कोई भी काम कर सकता है। कहता है कि हरियाणा की स्थापना के बाद से इस स्वास्थ्य की स्थिति को समझने से वर्तमान स्थिति को तुलना करने के लिए हमारे पास कुछ टेबल दी हुई है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो 1966-67 का, 2012-13 का और 2015-16 का डेटा हमारे पास गिवन है। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की, तो पहले ये कितना था, 758, 3280, 83, 33474 नंबर ऑफ अवेलेबल इन द हेल्थ सेंटर। पहले बेड कितने अवेलेबल थे, लगभग 4,500, 10,000 और लगभग 10,295। तो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंजेस होते रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें तो लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल पहले कितनी थी, 785 हॉस्पिटल डिस्पेंसरी इनके ऊपर थी। अब जबकि 2015 के अंदर ये जिम्मेदारी इतने सारे डिस्पेंसरीज के ऊपर आ गई, तो कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप आगे बढ़ गई है। हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज बेड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुके हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर सरकार ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए, काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। लोगों को मुफ्त इलाज की फैसिलिटी दी गई है ना। जैसे डिलीवरी के टाइम पर कुछ दिक्कतें आती हैं, एम्बुलेंस की फैसिलिटीज, फ्री एम्बुलेंस की, तो इस टाइप की भी दिए हैं, काफी सारी फैसिलिटीज दिए हैं। फिर अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त टीकाकरण, जैसे कोरोना के टाइम पे भी आपको पता है कि टीका अपना फ्री चला था लगभग बहुत सारी जगहों पे। तो काफी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दी हैं हेल्थ के अकॉर्डिंग भी। तो 3,000-30,000 तक के, जैसे अपने को पता है कि अभी जन धन योजना के अकॉर्डिंग, या जो भी हमारा जो कार्ड बनता है आजकल, आपको पता होगा कार्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग लगभग 5 लाख रुपए तक की आपको हेल्थ की फैसिलिटी पर ईयर पर मेंबर को अकॉर्डिंग दी जाती है। या आपने देखा होगा जन औषधि की मेडिसिन है वो मार्केट रेट से बहुत कम रेट पे आती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको एक एसिडिटी की गोली का पत्ता लेना है, जिसको हम DSR बोलते हैं, वही गोली का पत्ता आप अगर नॉर्मल आप कंपनी का परचेज करें तो वही पत्ता आपको 50, 60 या 100 रुपये का मिलेगा। अब जन औषधि स्टोर पे जाओ तो वही मेडिसिन का पत्ता आपको 10-12 रुपये मिल जाएगा। पुदीना की गोली का पत्ता आता है, अगर आप किसी XYZ किसी भी कंपनी का परचेज करो तो लगभग वो 25 से 45 रुपए का पत्ता आपको हो सकता है मार्केट में मिले। अब जन औषधि के अंडर जो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि आयोग के अकॉर्डिंग जो पास पुदीना की गोली का पत्ता है वो पत्ता मान लो 15 रुपए का आता है। तो काफी कुछ चेंजेस हमारे साथ आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग देखो तो काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो आयुष्मान योजना के अकॉर्डिंग काफी सारे बेनिफिट्स हमको मिले हैं मेडिसिन की फॉर्म में। तो आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो हॉस्पिटल में जाओ आप कार्ड दिखा दो, आपको बिल्कुल फ्री में इलाज दिया जाता है और वो लोग गवर्नमेंट से अपनी कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। तो काफी तक हमारे बेनिफिट गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो फिर भी देखो कहीं ना कहीं इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी फिर भी लोग चिल्लाते रहते हैं जी फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अमाउंट बढ़ाया है, काफी सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। तो लोगों की अवेयरनेस तो कहीं ना कहीं बढ़ाई है। तो जन औषधि केंद्र वाली जो मेडिसिन है उसको प्रमोट करने के लिए बल्कि एड तक आती है टीवी के ऊपर, ताकि लोगों को थोड़ा पता रहे कि गवर्नमेंट काम कर रही है। क्योंकि जर्नली लोगों को पता नहीं है कि किसी, अगर हम जर्नली किसी मेडिसिन को लेने के लिए जाए तो वो मेडिसिन हमको 100 रुपए की मिल रही है, और वही मेडिसिन अगर गवर्नमेंट के रेट के अकॉर्डिंग कहीं से परचेज करने के लिए जाए तो वही मेडिसिन हमको 10-15 रुपए के अंदर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी हमारे अंदर है और हम लोग फिर भी कंप्लेन करते रहते हैं कि वहाँ फैसिलिटी ऐसी क्यों नहीं है, वैसी नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर आप जाएं ट्रीटमेंट लेने के लिए तो पहले के मुकाबले में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। अब कोई भी बंदा एक भी कंप्लेन कर दे तो बहुत जल्दी एक्शन भी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस भी हमको रखनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप कोई भी आजकल के टाइम में चक्कर लगाओ कभी देखो तो क्राउड बहुत ज्यादा होता है, क्यों, कहीं ना कहीं फैसिलिटी बढ़ चुकी है। अब सिविल हॉस्पिटल में जाओ, सिविल हॉस्पिटल में पर्ची की फीस कितनी है, 5 रुपए की, वो भी आपकी पूरा साल चलती है। उस 5 रुपए की पर्ची के ऊपर आप पूरा साल उसके ऊपर मेडिसिन ले सकते हो, डॉक्टर की चेक है, एक्सरे है, कुछ भी कराना है। तो देखो फैसिलिटी तो बहुत सारी कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। ठीक है, तो काफी सारी चेंजेस हैं जो हरियाणा के अंदर लाए गए हैं, पूरे ऑल इंडिया पे भी चल रहे हैं। तो जैसे से हमने हेल्थ की बात की वैसे अब हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशन के अंदर हम बात करें तो न्यूट्रिशन को भी इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्लान बनाए हुए हैं। जैसे बच्चों को खाना अच्छा नहीं मिलता है या बच्चे खाना खा के नहीं आते हैं, जैसे आपने देखा कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चों के लिए खाना वहीं पर तैयार किया जाता है, और हर डे की डाइट भी फिक्स है, इस दिन ये देना है, इस दिन ये देना है, इतना क्वांटिटी इतना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं रेशो खाना खाने का बनाने का दिया हुआ है। तो न्यूट्रिशन के मामले भी काफी सारे चेंजेस हरियाणा के अंदर आए हैं। ठीक है,
तो ये भी कहीं ना कहीं फायदा है। तो कहता है कि मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए उसका खान पान अच्छा होना ज्यादा अच्छा है, और खान पान को पोषण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो समय समय पर लोगों की खान पान की आदतों में खराबी, रासायनिक खादों के अधिक प्रयोग, मिलावट के प्रयोग, ये सब चीजें भी ज्यादा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रिशन की जरूरत को देखा गया है। तो कहता है कि हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों के स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता के अभाव में लोगों में पोषण की कमी है। खान पान की गलत आदतों के कारण प्रति व्यक्ति पोषण तत्वों को आवश्यक मात्रा में प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल ना कहीं ना कहीं ना प्रॉब्लम हमारे साथ, हमारी वजह से ही आ रही है, क्योंकि आजकल ना क्राउड दो ही जगह पे है, दो ही जगह पे क्राउड है। पहला क्राउड तो हॉस्पिटल में मिलेगा, दूसरी जगह पे क्राउड मिलेगा आपको जंक फूड के ऊपर, जहां पे बिल्कुल आप लोग मतलब वो अड़ंगा बॉडी में डाल रहे हो जो आपको पता भी नहीं है। मतलब घर के अंदर का जो कबाड़ है ना, वो तो हम सब लोगों को बाहर फेंकना आता है, पर जो कबाड़ हम बाहर से खरीद खरीद के खा रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा नुकसान का कारण है। एक तरफ से कबाड़ खाया, उसी कबाड़ को निकालने के लिए फिर हॉस्पिटल गए, वहां से ठीक होने के लिए गए, वहां पर बीमार होकर पड़े रहते हैं, तो वहां सोचते हैं कि आज की बात नहीं खाऊंगा, पर जैसे ही वहां से ठीक होकर निकले 5-6 दिन के बाद फिर से मन ललचाता है, वहां से समय ला रही है, बर्गर खाओ, चाउमीन खाओ। तो क्राउड आजकल दो ही जगह पे चल रहा है, या तो जंक फूड पे चल रहा है या हॉस्पिटल में चल रहा है। आप ध्यान से नोटिस कर लेना, हमारी यात्रा वहां से वहां तक की रह रही है। अब खाना प्रॉपर हम घर का खाते नहीं है, खाना प्रॉपर घर का खाते नहीं है, तो हमको लगता है कि विटामिन की कमी है, कैल्शियम कमी है, क्योंकि हमको तो लगता है कि कैल्शियम और विटामिन बर्गर चाउमीन में रखे रह गए हैं, पिज्जा के अंदर कैल्शियम रखा हुआ है ना हमारा आजकल। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो हमारी खुद की वजह से आ रही है। किसी बड़ी सिटी में रहने के लिए चले जाओ तो आपको 5 किलो का आटा, मतलब 3 लोग घर में रहते हैं, 5 किलो का आटा पूरा महीना में खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सुबह से लेकर तक हम बाहर के खाने खा रहे हैं, सुबह उठे तो छोले भटूरे खा रहे हैं, दिन में भूख लगी तो बर्गर खा लिया, बाहर किसी से चावल खा लिए, रात को निकले तो कहीं पर होटल में खा लिया। तो 5 किलो का आटा पूरा महीना में आपका खत्म नहीं हो रहा, फिर हमको लगता है कि न्यूट्रिशन कमी क्यों है, मेरे में कैल्शियम कमी क्यों है, धूप में बैठने का टाइम हमको नहीं है, सुबह उठते हैं लेट उठते हैं क्यों, रात को 12-1 बजे तक तो मोबाइल पे होते हैं, अब सुबह 6 बजे नींद कहाँ खुलेगी, जिस वक्त हमको सुबह सुबह सूरज की किरणें, फ्रेश वाली उगती हुई किरणें लेनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, वो भी लेने का टाइम नहीं है। फिर डॉक्टर बोलेगा कि विटामिन डी की गोलियां ले लें, विटामिन डी की गोलियां लेने की जरूरत क्यों है, क्योंकि विटामिन डी हमने डायरेक्ट नहीं लिया, डायरेक्ट सनलाइट हम ले नहीं रहे बॉडी के अंदर, सारा दिन पड़े हैं तो एसी के अंदर पड़े, बाहर निकलने की आदतें हमारी कम हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बॉडी हमारी एडजस्ट कर नहीं पा रही, तो हमको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशंस की प्रॉब्लम आ रही है। तो न्यूट्रिशंस के मामले में काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, पर मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन के मामले में हर इंसान को खुद अवेयर रहना चाहिए। तो काफी सारी चीजें हैं, लेडीज को कैल्शियम की कमी है, कमी तो आएगी भाई, कमी तो आएगी, पहले तो कुछ टाइम से कुछ खाया नहीं है, खून की कमी भी आएगी। महिलाओं में खून की कमी और कैल्शियम की कमी की बात कर रहे हैं, क्यों आएगी भी, पहले तो जो प्रॉपर खाना चाहिए वो खाया नहीं है। इवन अब तो भी अभी भी ट्रेंड क्या चल रहा है, प्रेगनेंसीज होती है, प्रेगनेंसीज के टाइम पे भी लोग जंक फूड खा रहे हैं, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं है, खुद के ऊपर ध्यान ज्यादा है, तो बाद में पता चलता है कि बच्चा भी फिर नाश्ता नाश्ता पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है फिर क्या चाहिए उसको, बर्गर चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चाउमीन चाहिए, बर्गर चाहिए, फिर हमको लगता है कि बच्चा ऐसा क्यों मांग रहा है, क्योंकि बच्चे का विकास तो आपने बच्चे के पेट में ही कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं बच्चे की डेवलपमेंट बच्चे की माँ के पेट में हो चुकी होती है, तो बच्चा भी वैसा पैदा होता है, और अल्टीमेटली फिर पेरेंट्स को दिक्कत बाद में आती है, लेडीज को फिर पता चलता है कि जब डिलीवरी हो रही है तो करवाओ, क्या करवाओ, सिजेरियन से करवाओ, क्यों, क्योंकि सिजेरियन से करवाने का फंडा क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले तो अपने बॉडी का ध्यान दिया नहीं। तो आजकल मोस्ट प्रोबेबली केसेस देखना, कहीं ना कहीं जो बच्चे की डिलीवरी हो रही है बड़े ऑपरेशन से हो रही है, क्यों, क्योंकि पहले तुम ध्यान दे नहीं रही, योगा करो, प्राणायाम करो, अच्छा खाओ पियो, जो भी है तंदुरुस्त रहो, उससे देखो फिर देखो डिलीवरी नॉर्मल होती क्यों नहीं होती है। आज हॉस्पिटल भी चमक रहे हैं और आप लोग भी चमक रहे हो। तो कहीं ना कहीं खून की कमी, कैल्शियम कमी क्यों, न्यूट्रिशन की कमी क्यों, इसका कारण कहीं ना कहीं हम है। तो ये सारी चीजें इसलिए आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं हम साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने भी काफी सारी चला दी भाई, लोग तो मानते नहीं, लोग तो मानते नहीं, चलो हम ही चला देते हैं। तो यहाँ पर क्या गवर्नमेंट ने चला दी कुछ प्लानिंग, किशोर शक्ति योजना, किशोर कन्याओं के सशक्तिकरण, तो राजीव गांधी योजना, पूर्ण पोषक कार्यक्रम, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो काफी सारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर फैसिलिटी स्टार्ट कर दी, आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, तो काफी सारी फैसिलिटी चला दी, जाओ भाई गली गली के अंदर लोगों को गोलियां बांट कराओ, कैल्शियम की गोलियां बांट कराओ, आयरन की गोलियां बांट कराओ। अरे पहले कौन सी गली गली में आयरन कैल्शियम गोली बांटा करती थी, ये जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको टाइम ही नहीं है खुद के लिए, हम लोग सब पैसा कमाने में या घर के कामों में इतना व्यस्त हो गए, कहीं ना कहीं हमको मतलब खुद की बॉडी के ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं है। सबको टाइम दे रहे हैं हम, सबको, हम दुनिया में देखोगे ना सबको टाइम दे रहे हैं,
घर की दीवारों को, टीवी को, मोबाइल को, पेरेंट्स को, बच्चे को, सबको टाइम दे रहे हैं, पर कभी अपने आप से पूछ के देखना खुद को कितना टाइम दे रहे हैं। खुद की हेल्थ के लिए, खुद के माइंड के लिए, खुद के विचारों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो खुद को टाइम देना मुझे लगता है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि अगर हम माइंड से स्टेबल नहीं है, माइंड से अगर हम स्टेबल नहीं है, बॉडी से हम हेल्दी नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमको सब कुछ बेकार लगता है। तो कहीं ना कहीं दिन में थोड़ा सा टाइम मुझे लगता है कि खुद के लिए भी निकाल लेना चाहिए। तो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं आती, ये टॉपिक भी आने बंद हो जाएंगे सब्जेक्ट के अंदर, और आपकी प्रॉब्लम भी सोल्व, पेपर में टॉपिक नहीं आएगा न्यूट्रिशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं। आगे जो टॉपिक अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है सेक्स रेशो का, हरियाणा और इंडिया की बात करें तो 1971 का डेटा दिया है, 81, 91, 2001, 2011, तो इंडिया का डेटा दिया हुआ है यहाँ पर, और पूरे हरियाणा का डेटा भी दिया हुआ है, फिर हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट का डेटा भी दिया हुआ है। हालांकि ये डेटा आज के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट हो चुका होगा, तो आप देख लेना। यहाँ पर तो पूरा का पूरा टोटल डेटा दिया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर टोटल डेटा भी दिया हुआ है, टोटल डेटा ग्रामों के अंदर और शहरों के अंदर। तो ये डेटा हमारे पास दिया हुआ है, सोनीपत का, गुरुग्राम, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकुला, जींद, हिसार, फरीदाबाद, यमुनानगर, पलवल, कैथल, अंबाला, भिवानी, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, सिरसा, रेवाड़ी, फतेहाबाद, नूह। तो ये देख लेना पूरा का पूरा रेशो हमारे पास दिया हुआ है। सबसे ज्यादा रेशो जो था वो नूह का था, नूह जिले का हाइएस्ट था, टोटल के अंदर में भी और गांवों के अकॉर्डिंग भी, शहरों के अकॉर्डिंग भी। तो 906, 907, 903 ये दिया हुआ है, तो देख लेना। तो ये सेक्स रेशो अब गिर क्यों रहा है, गिरने के भी काफी सारे कारण हो सकते हैं, रीजन फॉर द लो सेक्स रेशो। अब बात करते हैं कि ये लो सेक्स रेशियो क्यों आ रहा है। तो पहली बात तो बुक की नॉलेज के अकॉर्डिंग है, काफी कुछ चेंजेस हो चुके हैं, आपको बता रहा हूं मैं फिर से, बट फिर भी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये सेक्स रेशियो हमारा गिर क्यों रहा है। ठीक है, पहली बात, लड़का और लड़की में भेदभाव, लड़के होने पर लोग उत्सव मनाते हैं, लड़की के टाइम पर कुछ नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं लड़के को प्रेफर ज्यादा देते हैं, तो ये। दूसरी बात, दहेज की समस्या है। ठीक है, जैसी लड़की पैदा होती है दहेज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर फिर उपनाम सरनेम की बात आती है। ठीक है, उनको लगता है कि लड़का होगा तो उनका वंश आगे बढ़ेगा, तो ऐसी सी बातें। कुछ सिक्योरिटी की बात भी आती है, लड़की पैदा होगी तो थोड़ा उसको घर के छोड़ के जाना पड़ेगा, माँ बाप को छोड़ के जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, पहले लोग टेंशन में आ जाते हैं। फिर अगली बात होगी रिस्पेक्ट की। ठीक है, लड़के को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर अगली बात है जन्म से पहले लिंग जांच, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी कुछ डॉक्टर्स जगह पे ऐसे हैं जो पहले से चेकिंग कर लेते हैं लड़का है लड़की है, तो वहीं पर भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं, आपको पता है, बाद में जब पकड़े जाते हैं, जब रेड पड़ती है तो पता चलता है। फिर हेल्थ की सिक्योरिटी है ना, हेल्थ की सिक्योरिटी, लड़कों की तुलना में लड़कियों के खान पान, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि पर कम ध्यान दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप लड़कियों की मृत्यु दर अधिक हो जाती है ना, मतलब लड़कों के स्वास्थ्य के ऊपर हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान है, लड़कियों की हेल्थ के ऊपर ध्यान कम देते हैं, तो ऐसा भी है। तो फिर आगे है IVF सेंटर, भारत में इन विट्रो फर्टिलिटी केंद्रों की स्थापना होने से कई उन्नत केंद्र टेस्ट ट्यूब बेबी दर इच्छित लिंग से बच्चा पैदा किया जा सकता है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर ना आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लड़का पैदा करना है लड़की पैदा करनी है, तो लोग लड़के की प्रेफर करेंगे, लड़की को प्रेफर क्या करते हैं फिर आजकल। तो ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, इस वजह से सेक्स रेशियो वाला गिर रहा है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर के लेकर, हरियाणा में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली बात तो हमारा जो एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है, पहली बात तो वो क्या है, राष्ट्रीय आय में योगदान, कंट्रीब्यूशन द नेशनल इनकम। तो हरियाणा के अंदर देखा जाए तो मुख्य रूप से लोग किसान भी है, वन है, बागान है, लोगों के बाग हैं, मछली पालन, पशुपालन, ये सब है। तो प्राथमिक क्षेत्र का नेशनल इनकम में बहुत बड़ा योगदान तो था, बट अभी थोड़ा घटता जा रहा है। तो पहले ज़्यादा था, अभी ये पहले ये योगदान कंट्रीब्यूशन कितना था, लगभग 56%, अभी कंट्रीब्यूशन लगभग 18% करीब करीब रह गया। तो ये है रोजगार में योगदान कितना है, तो इसकी जनसंख्या का 50% अधिक लोग रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर हैं, तो लोग एग्रीकल्चर पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज की मामले में बात करें तो उद्योगों का आधार अभी भी क्या है, एग्रीकल्चर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो एग्रीकल्चर की है ना, एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज में काम आती है, जैसे कॉटन है, गन्ना है, तिलहन है, जूट है, गन्ने से चीनी बनाते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी आइटम है जो अभी भी ठीक है। तो काफी सारी आइटम ऐसे जो इंडस्ट्रीज का अवेलेबल होती है। फिर खाद्यान्न की पूर्ति भी होती है,
अब इंडिया के अंदर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में काफी सारे खदान हरियाणा से अपने को मिलते हैं, तो काफी सारी जो पॉपुलेशन इन खदानों पर निर्भर करती है, जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, दालें हैं, तिलहन है, सरसों है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी खाने पीने की चीजों को पूरा करती है। फिर एग्रीकल्चर से आजकल हमारा फॉरेन ट्रेड भी होने लगा है, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी जो हम बाहर भी बेचते हैं, जैसे बेबी मक्का है, सब्जी है, मशरूम है, तो काफी सारी चीजें हम आजकल एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। फिर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी सब्जी मंडी दूर है तो आप लोग क्या करोगे, व्हीकल से सब्जी लेकर आते हो, लेकर जाते हो, तो सब्जी मंडियों की वजह से, सब्जियों की वजह से, फ्रूट्स की वजह से, खाने पीने की चीजों की वजह से, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन को भी हेल्प मिली है, ट्रांसपोर्टेशन वालों को भी काम मिला है, गवर्नमेंट की भी इनकम होती है, इंटरनल ट्रेड भी होता है, जैसे लोग अनाज, चाय, चीनी, दूध आदि पदार्थों पर खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल है, तो आर्थिक विकास का आधार भी है, पूंजी प्राप्त होती है और लोगों को पूंजी की आवश्यकता उनको मिलता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प मिलती है, ये सारी बातें आती है। फिर ये नेशन की वेल्थ भी तो है, तो जैसे बहुत सारे लोगों जैसे बहुत सारे लोग खेती करते हैं, है ना, खेती करने के औजार हैं, सिंचाई के साधन हैं, दूध पशुओं के द्वारा भी फायदा होता है ना, तो पशु अगर जिंदे हैं तो मान लो दूध मिलता है, मरता है तो फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ काम आती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक नेशन की वेल्थ है ये। फिर अगर हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कृषि उत्पादन की क्या प्रवृत्तियाँ रही हैं, ठीक है, ट्रेंड्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो फूड क्रॉप्स की अगर बात करें, ठीक है, खाद्य फसलों की बात करें, तो ये देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है, राइस का, वीट का, ग्रेन्स का, पल्सिस का, दालों का, तो 1966 67 80 81 2001 2014 2016, तो ये सारा डेटा हमको दिया हुआ है, तो हमारा ट्रेंड देखे तो काफी सारा हमने इम्प्रूव भी किया है, ठीक है। राइस की बात करें तो राइस पहले 223, ठीक है, कुछ इस तरह से पूरा का वो 000 टन के अंदर दिया हुआ डेटा, तो कहीं ना कहीं हमने ना इसके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी किया है। फिर अगली हम बात करें अगर हम कॉमर्शियल कॉमर्शियल क्रॉप्स की, कॉमर्शियल क्रॉप के अंदर देखो क्या है, यहाँ पर भी हमारा काफी सारा फायदा हुआ है, जिससे इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है। अब इंडस्ट्रीज को क्या क्या चाहिए होता है, इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं गन्ना चाहिए, कपास चाहिए, ऑयल सीड चाहिए, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इससे हमारे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जैसे चीनी बनानी है तो गन्ना चाहिए, है ना, गुड़ बनाना है, शक्कर बनानी है, देसी खांड बनानी है, तो ये भी कॉमर्शियल वाली ये फसलें हैं, पड़ी कॉमर्शियल क्रॉप्स बोलते हैं इसको, तो ये अगर टेबल को देखोगे तो टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट की है, तो ये डेटा थोड़ा सा इन्होंने जो टेबल में दिया हुआ है यहीं पर इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको भी आप देखना एक बारी। फिर ये पूरी की पूरी प्रोडक्टिविटी दी हुई है, वीट की, शुगर ग्रेन, राइस, कॉटन, ये डेटा फिर से वापिस आ गया अपना, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो क्रॉपिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ये टॉपिक क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न से क्या मतलब है, और हरियाणा की जो फसल पद्धति है, ठीक है, व्हाट इज द मीन बाय द क्रॉपिंग पैटर्न, और क्रॉपिंग पैटर्न हरियाणा का क्या है, ठीक है। कहता है कि हरियाणा के मुख्यतः कुल फसल क्षेत्र के लगभग 69% एरिया के ऊपर गेहूं या चावल की खेती की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है और हरियाणा में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूबवेल का अधिक प्रयोग करने की वजह से हरियाणा में भूमिगत जल स्तर भी नीचे गिर गया है, तो निम्न जल स्तर भविष्य के लिए गंभीर समस्या बन गया है। इसके अतिरिक्त एक ही प्रकार की कुछ फसलों को बार बार खेती में उगाया जाता है तो भूमि की जो अच्छी कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है, तो पानी गिर रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जमीन की कम हो रही है, तो इस योजना को हमने एक बनाया है, तो फसल विशिष्टीकरण विविधीकरण को प्रोत्साहन दिया है, मतलब एक बार आप एक फसल उगाओ अगली बार कोई और फसल उगा लो, तो इस योजना के अकॉर्डिंग 40,000 हेक्टर स्क्वेयर भूमि पर विभिन्न फसलों की खेती की जाएगी, तो 15,000 हेक्टर स्क्वेयर भूमि पर मक्का, 20,000 हेक्टर भूमि पर कपास और 50,000 हेक्टर भूमि पर दालों की खेती की जाएगी, ठीक है। तो हरियाणा के क्षेत्र का लगभग आधे से आधा भाग एनसीआर में है, इसलिए हरियाणा के छोटे किसान सब्जियों, फसलों और खदानों की खेती करके एनसीआर के बाजार में बेचकर अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। जैसे आपको पता है कि आसपास आजकल गुड़गांव, नोएडा ये वाला एरिया बच गया है, उन लोगों को क्या चाहिए होती है,
सब्जियां चाहिए, तो आजकल बहुत सारे लोग अपनी जमीन पे क्या बोने लगे हैं, सब्जी वगैरह ज्यादा बोने लगे हैं और वहां पे प्रॉफिट ज्यादा कमाने लगे हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न जो हरियाणा का है देख लो, मिलेट्स को लेकर व्हीट, राइस, पल्सी, शुगर क्रेन, ऑयल सीड्स, कॉटन, 1966 का डेटा, 2001, 2014-15, 2015-16। तो ये पूरा इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2016-17 में, और जो रिपोर्ट है हरियाणा इकोनॉमी की 2017 में पब्लिश हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है। ये एरिया अंडर द मेजर क्रॉप्स है, जो भी मेन मेन जो फसलें होती है उनका डेटा दिया हुआ है। तो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है, कह रहे कि मोटे अनाज का उत्पादन वर्ष 2019-66 में कितना था, 1432,000 हेक्टेयर भूमि पर था, और 2015-16 में कम होकर कितना रह गया, 470,000 हेक्टेयर हो गया। इसी तरह से जैसे इन्होंने यहाँ पर मोटे अनाज का डेटा दिया हुआ है, मोटे अनाज के साथ साथ इन्होंने गेहूं का डेटा भी दिया हुआ है, गेहूं के बाद इन्होंने फिर चावल का दिया हुआ है, चावल के बाद इन्होंने यहाँ पर दालों का दिया हुआ है। तो दालों के बारे में क्या बोल रहे हैं, 1966-67 में दालों के लिए हमारे पास 1153,000 हेक्टेयर था, जबकि 2015-16 में कम होकर क्या रह गया, 62,000 हेक्टेयर रह गया। तो कहीं ना कहीं भूमि में शक्ति में कमी आई है, मिट्टी की क्वालिटी भी कम हुई है, काफी सारे इफेक्ट हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है गन्ने का दिया हुआ है, ठीक है, गन्ने के लिए पहले 150,000 हेक्टेयर भूमि थी, अभी ये 93,000 रह गई। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड का डेटा दिया हुआ है, इसी तरह से हमारे पास कॉटन का डेटा भी दिया हुआ है। कॉटन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेटा है वो 1967 के अंदर हमारे पास ये 183,000 हेक्टेयर था, और अभी ये 3 गुना बढ़कर हमारे पास कितना हो गया, ये 615 हो गया। तो कॉटन का थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो गया, 3 गुना हो गया है। तो ये डेटा हमारा पूरा का पूरा क्रॉपिंग का जो पैटर्न है जो हरियाणा का, वो हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा आएगा क्रॉप इंश्योरेंस के अंदर। तो क्रॉप इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास, अपने को पता है क्रॉप इंश्योरेंस क्या होता है, फसलों का बीमा। तो कभी कभी क्या होता है कि फसलों के नुकसान हो जाते हैं तो उसकी भरपाई के लिए हम फसलों का बीमा भी करा लेते हैं। तो कहते हैं कि भारत में सबसे पहले जो फसल बीमा योजना का शुरुआत किया गया ना, वो 1985 में किया गया है। तो फसल बीमा योजना वह योजना है जिसके अंदर प्रीमियम की राशि का भुगतान किसान करता है, किसको, बीमा, किसान बीमा करता करता है, यदि किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा, फसल की बीमारी, खराब मौसम, कीट प्रकोप आदि कारण नष्ट हो जाती है, तो बीमा करता क्या करेगा, बीमा धारक को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आर्थिक मुआवजा प्रदान करता है। तो ये है क्रॉप इंश्योरेंस। क्रॉप इंश्योरेंस की हमारे पास काफी सारी स्कीम्स रही हैं, चलती रहती हैं, और किसान इनके बारे में पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मेन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर, वो कौन सी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये काफी सारा इसके ऊपर डिस्कस किया गया था, तो पूरे भारत में 2016 में ग्रीष्म में वर्षा ऋतु फसलों से किया गया। तो इस योजना के साथ साथ कई और बीमा योजना का भी शुरुआत किया गया। तो फसल बीमा योजना के अकॉर्डिंग भारत में 30% एग्रीकल्चर लैंड है, परंतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उद्देश्य अगले 2 या 3 वर्षों में कम से कम 50% जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है हम इसको इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो हरियाणा में लगभग जो 7 लाख किसान है उन्होंने इसके अंदर बेनिफिट लिया था, कितने, लगभग 7 लाख। जैसे प्रधानमंत्री वाली योजना है वैसे एक नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, इसकी शुरुआत हुई थी 1999-2000 के अंदर। तो जैसे कीट है प्रकोप, कीटों का प्रकोप होता है, यह फसलों की बीमारी होती है, बाढ़ है, तूफान है, झुका है, इसके अंदर किया गया। तो वर्ष 2016 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा का योजना किया गया तो इसको एनएसए को 2015 के बाद समाप्त कर दिया गया। तो पहले यह भी था, पर जैसे 2016 में प्रधानमंत्री वाला टॉपिक आया था तो इन्होंने इसको क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद था पुनः संरचित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो इसकी शुरुआत की गई थी 2013-14 में, ये भी बहुत अच्छी स्कीम थी। तापमान ज्यादा है, कम है, ये वर्षा ज्यादा आ रही है, कम हो रही है, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो उसके बाद ये कर दिया गया, ठीक है। तो इसके अंदर सब्सिडी को भी निर्धारित किया गया 2016 में, जब वो प्रधानमंत्री वाला फसल बीमा योजना आया था तो इसमें इस टाइम सब्सिडी को भी फिक्स किया गया। इसी तरह जो अगला है वो है यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, इसको बोलते हैं UPIS, ये है संयुक्त बीमा पैकेज योजना। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2016 में कुछ चुने हुए जिलों में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी धारक को फसल बीमा कराना अत्यंत अनिवार्य होता है, और कई बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये कृषि उपकरण बीमा आदि को भी शामिल किया गया। फिर अगला था हमारा मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम,
इसकी शुरुआत की गई थी 2011-10 के अंदर, 2010-11 के अंदर। तो इसके अंदर भी 2015-16 में जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी उसके बाद इसको भी बंद कर दिया गया। ये था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। अब जो है वो है एफर्ट्स मेड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सबसे पहले है हमारे पास सिंचाई का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द इरिगेशन। कहते हैं कि कंट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विस्तार किया गया है। 1967 के अंदर ये 37.7% लैंड पर ही सिंचाई की व्यवस्था थी, जो अब बढ़कर रियलिटी में क्या हो गया है, 88.3% हो गई है। तो काफी सारी हमारी योजनाएं बनाई हैं जिससे ये काफी सारे कदम हमने उठाए हैं, तो इसलिए पूरा एरिया कवर हो पा रहा है लगभग। एग्रीकल्चर का एरिया भी काफी सारा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है, 38% का इंक्रीज हुआ है। अगर हम रासायनिक खाद की बात करें, केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये भी हुआ है। गोबर की खाद के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाने लगा है। फिर इसी तरह से रासायनिक खाद, केमिकल सीड्स की, ठीक है, एनएसडी की स्थापना भी की गई है ना, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। आगे जो है वो है पौधों की सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, फसल बोने के बाद उनको कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से बचाने के लिए, है ना, कैपिटल प्लांट प्रोटेक्शन, CPPC। तो देख लेना, छोटा क्वेश्चन आ सकता है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए किसकी स्थापना की गई है, तो कैपिटल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर। फिर मैकेनाइजेशन, है ना, मशीनाइजेशन, ये भी है पड़ा, तो इसके अंदर भी एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। तो किसानों को बैंकों के माध्यम से कृषि यंत्र से ट्रैक्टर, क्रेशर मशीन, ये सब लेने के लिए मिलता है, मतलब सस्ते ब्याज पर पूंजी मिल जाता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। कहता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के अन्य क्षेत्रों के समान ही प्राप्त क्रेडिट की फैसिलिटी हमारी एग्रीकल्चर के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर वाले को अगर हम अवॉइड करते हैं, इनको अगर हम क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, तो वहां पे भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो काफी सारी हमें क्रेडिट की फैसिलिटीज, ऐसा लगा लो कि लोन वगैरह भी देना पड़ता है, काफी सारी फायदे हमको देने पड़ते हैं। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर है जो हमको कवर करनी होंगी, ठीक है। तो कहता है कि एग्रीकल्चर के बढ़ते कमर्शियलाइजेशन के परिणाम स्वरूप कृषि कार्य के लिए क्रेडिट की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसमें काफी सारी टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, तो इसको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की चाहिए होती है। पहला है शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो कहता है कि प्रेजेंट टाइम के लिए लिया जाने वाला ऋण अल्पकालीन ऋण कहलाता है। यह जो लोन होता है वो 1 साल की अवधि या 15 महीने के लिए लागू होते हैं। जैसे खेतों में फसल बोने के लिए बीज, खाद खरीदने के लिए प्राप्त किए गए ऋण आदि, तो ये फसल बिकने पर वापस कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही हमारी फसल बिक जाती है तो इस प्रकार के लोन हम वापस कर देते हैं। इसी तरह से है अपना मिडल क्रेडिट, मिडल टर्म क्रेडिट। तो इस प्रकार के लोन जो होते हैं, किसान जो क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए करते हैं या पशु खरीदने के लिए लेता है, तो इनकी जो अवधि होती है वो 15 महीने से 5 साल तक की होती है। इसी तरह से जो हमारा है वो है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। इनकी जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 साल से लेकर 20 साल की। ये किस लिए जाते हैं, कुछ जमीन की खरीदारी के लिए या मुकदमेबाजी, कोई केस चल रहा है तो उसके लिए जाते हैं, ये होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब बात करते हैं जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के जो सोर्सेज हैं। सोर्सेज के अंदर हमारे पास कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी, आड़ती और संबंधियों, इन लोगों से हम लोन ले लेते हैं, फिर इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, टाइम पर पैसा देना पड़ता है। तो इन सोर्सेज को हम ज्यादा अच्छा या न्यायपूर्ण नहीं मांगते, क्योंकि ये किसानों से क्या करते हैं, ब्याज की दर ज्यादा लेते हैं, और कभी कभी कुछ लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते तो उनकी अनपढ़ता का भी फायदा लेकर आर्थिक शोषण भी करते हैं, तो ये ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। इनको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा अच्छे नहीं है, ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये रिकॉग्नाइज नहीं है। फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर सबसे पहले जैसे हमारे पास बात आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो
तो लगभग किसानों की लगभग 30% क्रेडिट की जरूरतों को यहां से पूरा किया जा रहा है। तो जिसके अंदर सबसे पहले नाम हमारे पास आ रहा है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। तो इसके अंदर काफी सारा डेटा इन्होंने दिया हुआ है 2011-12 का, जिसमें इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन का भी टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके अंदर राज्य और केंद्र स्तर पर काफी सारी हमारी समितियां हैं, कमेटियां हैं, जो सीसीबी और एससीबी की सहायता प्राप्त करती हैं। इसी तरह से जो दूसरा है वो है हमारा लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये बैंक 15 से 20 साल तक की अवधि के लिए किसानों की भूमि को बंधक बनाकर लोन अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। ये लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जिसके अंदर दो टॉपिक थे हमारे पास, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक और सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। फिर इसी के साथ साथ हमारे पास है अपना हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, ठीक है। इस बैंक को हम हारको भी बोलते हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1966 में की गई थी। किसानों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका डिमांड 10 अथवा 10 से अधिक किसानों द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2013 का डेटा भी दिया हुआ है, तो 2013 के डेटा के अकॉर्डिंग आप देख लेना। तो हारको बैंक के माध्यम से जो प्राथमिक कृषि साख समितियां है ना, उसकी कृषि क्रियाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नकद राशि के रूप में अधिकतम 75,000 या किस्म के रूप में अधिकतम 25,000 रुपये प्रति एकड़ साख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कृषि साख समितियों के दो सदस्यों की जमानत पर 12 माह के लिए 7% ब्याज दर पर जो भी प्रोवाइड करते हैं ऐसा, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास अपना हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, HSCARDB। इसकी स्थापना भी की गई है 1966। तो ये लगभग जो हमारी जो लॉन्ग टर्म जो कृषि की क्रियाएं हैं, जैसे सिंचाई है, कृषि यंत्रों की खरीदारी है, बागवानी है, पशुपालन, भूमि विकास आदि के लिए क्रेडिट अपलेवल कराता है। तो ये लगभग लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। आगे है हमारे पास इसी के अंदर हमारे पास कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक से भी आजकल आपको पता है कि काफी सारे लोन आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, तो कमर्शियल बैंक हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसी तरह से रीजनल रूरल बैंक के नाम भी आपने सुना होगा। तो 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जयंती के दिन की गई थी, तो परंतु ये हरियाणा में एक ही क्षेत्रीय बैंक रह गया है। तो इस बैंक की शाखाएं लगभग 542 हैं, तो लगभग काफी सारा इन्होंने भी करोड़ों में इनका लोन किसानों को दिया हुआ है। तो इससे हमारा गाँवों के अंदर जो एग्रीकल्चर है, जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है और काफी सारी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज है, काफी के अंदर इसका सुधार हुआ है। इसी के साथ हमारा नाबार्ड है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसके बारे में आगे टॉपिक अभी हमारा थोड़ा सा डिटेल में आने वाला है, तो नाबार्ड को अभी हम स्टडी करेंगे। अब बात करें थी जो टॉपिक हमारा नाबार्ड का ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि लास्ट स्लाइड हमारी नाबार्ड की ही थी, तो नाबार्ड को भी ध्यान से देख लेते हैं। कहते हैं कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 1963 में नाबार्ड की स्थापना की गई था। इसका उद्देश्य क्या था, जो नेशनल लेवल पर जो सहकारी बैंक, तो जो भूमि विकास बैंकों को साख संबंधी सुविधाएं प्रदान करना था। समय बीतने के साथ साथ ये अनुभव किया जाने लगा कि कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भी बैंकों का होना जरूरी है। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 1979 में रिजर्व बैंक द्वारा शिवा रमन कमेटी, कौन सी कमेटी है ये, शिवा रमन कमेटी। तो यहाँ पे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, 1979 रिजर्व बैंक शिवा रमन कमेटी, तो की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, ठीक है। तो 1982 12 जुलाई तो देख लेना। तो आरंभ में इस बैंक की पूंजी कितनी थी, 100 करोड़ थी। तो समय के साथ साथ इसकी कैपिटल में इंक्रीज हो गया। 2013 में इसकी कैपिटल कितनी थी, 4,000 करोड़ थी, जिसमें 3,980 करोड़ भारत सरकार का तथा 20 करोड़ किसका था, 20 करोड़ लगभग भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा था। इसके अतिरिक्त 2013 में बैंक के पास जो रिजर्व फंड थे वो कुल संपत्ति का क्रमशः 15,101 करोड़ व 2,13,175 करोड़ थी, और 31,000 2017 को इसकी जो कुल पूंजी लगभग 5,000 करोड़, और जिसमें से 4,980 इंडियन गवर्नमेंट का और 20 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा था, ठीक है। अब नाबार्ड की जो खास बात होती है, नाबार्ड की सबसे खास बात यह है कि ये एग्रीकल्चर क्रेडिट के बैंकों का सर्वोच्च बैंक है। मतलब एग्रीकल्चर के मामलों में जो क्रेडिट मिलता है उनमें सबसे हाईएस्ट लेवल का बैंक है। ये बैंक एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड नीतियों का संचालन करता है और उनका निर्माण भी करता है, पॉलिसीज भी बनाता है, काफी सारी चीजों में सुधार करना,
क्रेडिट पे मॉनिटरिंग करना, लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, कम ब्याज पर लोन देना, ठीक है। और ये बैंक स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम करी ऐसी संस्थाओं के साख सुविधा भी उपलब्ध कराता है। तो ये बैंक एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास से जुड़ी वित्तीय संस्थाओं की देखभाल व जांच पड़ताल भी करता है। काफी सारी ये विश्व बैंक तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्था से समय समय पर ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम आयोजन करते हैं, वे वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। पर नाबार्ड इन कार्यों के इम्प्लीमेंटेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो वर्ल्ड बैंक है या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो उनको इम्प्लीमेंट करने का काम नाबार्ड आगे करता है। अब बात आती है कि नाबार्ड के उद्देश्य क्या है, नाबार्ड की स्थापना के उद्देश्य क्या है। सिंपल सी बात है, आर्थिक विकास हेतु ऋण प्रदान करना ग्राम के इलाकों के लिए, संस्थागत विकास, रिसर्च, इनोवेशन, गांवों के अंदर कृषि, लघु कुटीर उद्योगों का साख उपलब्ध करवाना, साख सुविधाओं को बढ़ावा देना, बिजनेस की फैसिलिटी देना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या उनको कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए ग्रामीण जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पड़ी डेवलपमेंट, उनसे सहायता पता सफलता पर वित्त उपलब्ध करवाना, राज्य सहकारी बैंकों, ग्रामीण जो केंद्रीय सहकारी बैंक है या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कार्यान्वयन का प्रेक्षण करना, उनका सुपरविजन करना। तो ये काफी सारे उद्देश्य हैं नाबार्ड के। अब नाबार्ड की अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, कहता है कि जो नाबार्ड है ना, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट के बैंकों में सर्वोच्च बैंक है। इसका जो मुख्यालय है जो मेन हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। नाबार्ड की राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर 30 रीजनल ऑफिस और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है 395 जिला विकास कार्यालय है। नाबार्ड के संचालन मंडल में 4 संचालकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तथा 3 संचालकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के संचालकों में से 3 संचालक नाबार्ड के संचालकों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। नाबार्ड के 4 प्रशिक्षण संस्थान भी हैं जो भोलपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ में है। श्रीनगर में नाबार्ड का एक विशेष सेल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इन्होंने दी हुई हैं। आगे जो टॉपिक है वो है रूरल इनडेप्थनेस, बोले तो ग्रामीण ऋण ग्रस्तता। तो ग्रामीण ऋण ग्रस्तता या रूरल डेप्थनेस क्या है, तो पहले देख लेते हैं। कहता है कि ग्रामीण ऋण ग्रस्तता से मतलब है, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है ग्रामीण ऋण ग्रस्तता, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं रूरल इन डेप्थनेस। इसका मतलब क्या है पहले ये देख लेते हैं। कहता है कि रूरल इन डेप्थनेस से मतलब है ग्रामीण का जो लोग हैं उन पर लोन या ऋण के अत्यधिक भार से है। भारतीय कृषि की स्थिति, इंडियन एग्रीकल्चर की स्थिति काफी पिछड़ी हुई है, जिसके कारण भारतीय कृषकों को सुविधाएं प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में लोन लेने पड़ते हैं, परंतु इनकम ना होने पर उन लोन्स को चुकाना और भी कठिन होता है। तो ग्रामीण ऋण ग्रस्तता और बढ़ती है, मतलब लोगों अपनी पेमेंट तो कर नहीं पाते, इनकम हुई नहीं, लोन दे नहीं पाए, लोन नहीं दे पाए तो हो सकता कि वो और लोन भी लेते हो। तो इससे जो रूरल इनडेप्थनेस है बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं एमएल डार्की ने क्या कहा है, भारतीय किसान कर्जों में जन्म लेते हैं, कर्जों में ही रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। ये डेफिनेशन किसने दी हुई है, एमएल डार्की ने दी हुई है। तो ये छोटे से क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर जो रूरल डेप्थनेस है, इनडेप्थनेस है, उसकी क्या खास बात है। भारत में प्रत्येक परिवार द्वारा औसत रूप से 1,457 का रुपए का लोन लिया हुआ है। भारत में जो इनडेप्थनेस है, परिवारों की संख्या कृषि क्षेत्र में 45.94% और गांवों के अंदर ये 31.44% है। किसानों द्वारा लिए जाने वाला लोन उसकी संपत्ति के 5.3% के बराबर है। गैर कृषिकों द्वारा लिए जाने वाला लोन उनकी संपत्ति का 13.2% के बराबर है। भूमिहीन कृषकों द्वारा लिया जाने वाला ऋण उनकी संपत्ति के 18% के इक्वल है। भारत में किसानों की ग्रामीण रूरल डेप्थनेस में काफी कमी आ गई है, जो वर्ष 1971-72 में 46.1% थी और 2011-12 में कम होकर कितनी हो गई है, ये 45.94%, लगभग 1% से भी थोड़े से कम का डिफरेंस यहां पर देखने को मिला है।
आगे बात आती है कि जो रूरल डेफनेस है उसके क्या रीजन हो सकते हैं। रीजंस के अंदर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, बट पहला रीजन क्या है कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। फिर कभी सोच कर देखो, कभी बारिश आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी सूखा पड़ गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग फंस जाते हैं। फसलें होती नहीं है, बिक पाती नहीं है, इनकम नहीं होती। तो पहला कारण ये है, लोग लोन में क्यों डूब रहे हैं। तो पहली बात, कृषि के ऊपर हम ज्यादा, एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। फिर पॉवर्टी, कहीं ना कहीं गरीब है और गरीबी का दुष्चक्र है, वो हम टूट नहीं पाता है। फिर पैतृक ऋण भी है। अब कोई इंसान पैदा हुआ, पता चलता है कि उसके परिवार में पहले से लोन चल रहा है, तो किसान की मृत्यु होने पर उसका भुगतान उसके परिवार या उसके पुत्र द्वारा किया जाता है। मान लो किसी बंदे ने लोन लिया हुआ है, जमीन के नाम पे लोन लिया था, अब वो तो मर गया, तो अभी लोन की पेमेंट कौन करेगा? परिवार करेगा। तो वो अपनी लोन की पेमेंट करना सामाजिक या धार्मिक कर्तव्य मानता है। भूमि का उपविभाजन या विखंडन, पहले जमीन बहुत बड़ी थी, अभी जमीनें बढ़ चुकी हैं। पहले एक ही जमीन एक बंदे की थी, वही जमीन अभी 10 लोगों पर बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम्स हो रही है। कोई जमीन बेच रहा है, पूरी जमीन के ऊपर इकट्ठा फसल नहीं उगा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत बढ़ रही है। कृषि से कम आय हो रही है, आजकल काफी सारी बीमारियां हैं, कीड़े मकोड़े टिड्डी हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे से इनकम नहीं हो पाती। फिर सामाजिक उत्सव रुपये के ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं, है ना? जैसे हमारे घर पे शादी है, विवाह है, जन्म है, मृत्यु है, तो काफी बार ऐसा धन नहीं होता हमारे पास, फिर भी हम ज्यादा खर्चा करते हैं। फिर लोन का दुष्चक्र भी है, ये बात तो मैंने आपको पहले बताया था, आपने लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट आप पे कर नहीं पा रहे, है ना? इनकम आपकी अच्छी हुई नहीं, अब लोन के ऊपर आपने और लोन ले लिया, तो वो पूरा दुष्चक्र चलता रहता है, दुष्चक्र से बाहर ही नहीं आ पाते। फिर कुछ बात आया अनपढ़ता का होना, आपको कभी कभी लोन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, या लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है, सस्ता कहाँ कहाँ से मिलेगा, उस लोन के बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, और आपने गलती से लोन ऐसी जगह से ले लिया जहां पर इंटरेस्ट की रेट ज्यादा थी, तो ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं मुकदमेबाजी आपके नाम पे चलते रहते हैं, है ना? अनपढ़ता होने के कारण कभी कभी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो मुकदमेबाजी फंस जाते हैं, तो उस चक्कर में लोन लेना पड़ता है। टैक्सेस भी कभी कभी ज्यादा होते हैं, और कभी कभी जो हमारी एग्रीकल्चर की कॉस्ट ज्यादा होती है, आपने मान लो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी खेत में लेकर आनी है ना, कोई अच्छी क्वालिटी का बीज लेकर आना है, या सिंचाई का कोई अच्छा उपकरण लेकर आना है, कोई मशीन लेकर आनी है, तो कभी कभी उनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो इस चक्कर में भी होता है। फिर सस्ते दामों पर उपज की बिक्री, मोस्ट प्रोबेबली होता भी ऐसा ही है, जो भी आप पैदा करते हो खेतों के अंदर, या तो किसी को सस्ते रेट में बेच देते हो, या उसका रेट आपको प्रॉपर मिल ही नहीं पाता, तो आपकी इनकम तो अच्छी होती नहीं है, तो इसलिए हमारा कहीं ना कहीं लोन पे लोन हमारा चलता रहता है। फिर परिणाम क्या है, रूरल इनडेप्थनेस के परिणाम क्या है? सिंपल सी बात है, किसानों का शोषण होता है ना? लोन की तो पेमेंट अप कर नहीं पाते, ब्याज की दरें बढ़ती जाती हैं, हाई रेट की ब्याज की दरें होती हैं, तो किसानों का शोषण होता है, उनकी लाइफ अच्छे से चल नहीं पाती है, भूमि पर महाजनों का कब्जा हो जाता है, मतलब जो भी आपकी जमीन होती है, जमीन के ऊपर आप लोन लेते हो, तो वो लोन जिससे लिया है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, एग्रीकल्चर के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, आप एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते, क्योंकि आपका पूरा ध्यान ब्याज चुकाने में या मूलधन चुकाने में चल जाता है, इसलिए टेंशन के मारे आप कभी कभी आप एग्रीकल्चर लैंड को संभाल भी नहीं पाते हो। फिर प्रतिकूल आर्थिक स्थिति, कभी कभी क्या होता है कि साहूकार से ऋण लेने के बजाय कि भारतीय किसानों को अपनी उपज बाजार में उच्च दामों पर बेचने की बजाय इन महाजनों या साहूकारों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है, क्योंकि वो बंदा आपको अटका देता है, भाई मेरी पेमेंट कर, और पेमेंट करने के चक्कर के अंदर आपको साहूकारों को, महाजनों को ही क्या करनी पड़ती है, अपनी फसल बेचनी पड़ती है, वो भी कम रेट के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है। फिर कहता है कि इन समस्याओं से निकलने का क्या समाधान है, समस्याओं से निकलने के लिए हमारे पास कुछ समाधान भी किए गए हैं। पहला समाधान क्या है, पूरे पुराने ऋणों को कम करना। तो पुराने ऋणों को कम करने का महत्वपूर्ण तरीका यह है कि जिन ऋणों पर बहुत अधिक मात्रा में ब्याज चुकाया दिया जा चुका है, उन्हें समाप्त हुआ मान लिया जाए। तो इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न समझौते बोर्डों की स्थापना भी की गई है। तीन इन बोर्डों में ऋणी ऋणकर्ता दोनों आपस में क्या करते हैं, एक समझौता करते हैं, और ऋणों को कम करने या ऋणों की चुकता अवधि को 15-20 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है कि भाई या तो लोन पीछे वाला खत्म कर दो, या इस लोन की जो अवधि है थोड़ी सी और बढ़ा दो, 15-20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी जाती है, तो ऐसा भी करने का प्लान है। तो 1990-91 में भी एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी प्लानिंग चलाई गई थी जिसके अंतर्गत बैंक, सहकारी संस्था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लिए गए ऋण, कृषि और ग्रामीण ऋणों की 10,000 तक की राशि को माफ कर दिया गया था, और 2008-09 में भी सरकार ने किसानों द्वारा के ऋणों को माफ कर दिया गया था, और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए कई राहत स्कीमें भी चलाई थी, काफी सारी प्लानिंग गवर्नमेंट ने चलाई थी, ठीक है।
तो जैसे ऋणग्रस्त किसानों के लिए राहत के उपाय, जैसे ग्रामीण कारीगरों, छोटे दुकानदार और भूमिहीन किसानों मजदूरों के लिए भी राहत के लिए ऋण राहत प्रोग्राम काफी सारे चलाए, जैसे 10,000 की इनको राहत प्रदान की गई है। इसके अंदर क्या था, प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो इसमें देखा कि इसमें उन लोगों को देखा जो प्राकृतिक आपदा या किसी कारणवश ऋणों का भुगतान नहीं कर पाते, तो उनके लिए राहत का योजना बुलाई गई। तो उसमें उन्होंने बोला भाई तुम एक लमसम अमाउंट पे कर दो, 1 किस्त के अंदर पे कर दो, या इस तरह से पे कर दो, उनको 10 से छूट दी गई। सेकेंड ओपी के अंदर क्या है, उनको 10,000 की छूट दे दी गई, है ना, राहत प्रदान की गई। फिर समय पर भुगतान प्रोत्साहन योजना, अगर आप टाइम पे पेमेंट दे दोगे या टाइम से पहले पेमेंट दे दोगे तो आपको ब्याज की भुगतान में या इतने परसेंट की छूट मिल जाएगी। फिर फोर्थ जो था वो था वसूली संबंधी प्रोत्साहन योजना 2007। तो इसमें क्या था, सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से वसूली संबंधी प्रोत्साहन योजना चलाई, 2007 चलाई। तो 2,67,676 किसानों को 175.56 करोड़ की राहत यहां पर प्रदान की गई। फिर ऋण माफी व राहत योजना, ये भी इसी तरह की लगभग इसी के साथ साथ हमारा जो था वह वसूली संबंधित प्रोत्साहन योजना 2013। तो इन्होंने इसमें क्या किया, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसके ऊपर 50% की राहत प्रदान की गई। तो हालांकि इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर काफी सारा भार आ गया था 265 करोड़ रुपए का, पर फिर भी इन्होंने क्या किया, 50% जो आउटस्टैंडिंग जो हमारा इंटरेस्ट था उन्होंने उसको कम कर दिया गया। फिर नए ऋणों के भार को रोकना, तो नए ऋणों के भार को भी कम करना है, ठीक है। तो काफी सारे काम किए गए हैं। तो नए लोन को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, महाजनों के कार्यों पर रोक लगा दी गई, जो भी लोन देने वाले लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, जिनके ऊपर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होता, तो उनको भी बोल दिया भाई तुमको भी पूरा का पूरा हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना होगा। उनके ऊपर पकड़ बना ली गवर्नमेंट ने, उनको भी टाइट कर दिया, अगर कोई रूल का कानून का उल्लंघन करेगा तो तुमको दंड दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने महाजनों के ऊपर कंट्रोल करना स्टैंड कर दिया, जो भी किसानों को अंदर खाते लोन देते थे। अनुत्पादक कार्यों में कमी, जैसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया भी जो भी फिजूल के खर्चे होंगे उसको कम करो, समय समय पर रेडियो टेलीविजन ग्राम समिति द्वारा प्रचार भी किया गया, जो भाई तुम्हारे जो भी अनप्रोडक्टिव काम है वो थोड़े कम कर दो, किसान हो तुम अपना खेती पे ज्यादा ध्यान दो, फालतू खर्चे कम करो, तो ऐसा भी किया गया। फिर ग्रामीण कारीगरों एवं छोटे दुकानदारों के लिए भी अधिकतम साख सीमा में वृद्धि कर दी गई। तो ये जो पहले जो था वो 25,000 से बढ़ाकर 35,000 पे कर दिया गया, ताकि वो लोग अब काफी सारी चीजों को परचेज कर सके। किसानों की प्रतिभूति पर कब्जा करने की मनाही, तो जो भी लोग मान लो सिक्योरिटी के बिहाफ पर लोन वगैरह लेते थे, तो जो लोग कब्जा कर लेते थे तो वो कब्जा करने पर थोड़ा सा उन्होंने रोक लगाया। जैसे लोग क्या करते थे, जमीन मकान पशु आदि को क्या करते थे, ऐसे गिरवी रखते थे, अब वो बोल दिया गया कि आप इनको गिरवी नहीं रख सकते। फिर उनको मोटिवेट किया गया भाई आप लोग क्या करो, सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी फसल होगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं सेविंग को मोटिवेट किया गया। किसानों की आय में वृद्धि, तो सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास कार्य हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि वे उत्तम बीजों रासायनिक खादों कीटनाशक आदि का प्रयोग कर सके, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। ब्याज राहत योजना भी चलाई सरकार ने, ग्रामीण ऋणों को भार को कम करने के लिए 1 अप्रैल 2006 को ब्याज राहत योजना चलाई गई, आरंभ की गई, जिसके अनुसार किसानों को देय तिथि पर या देय तिथि से पहले ऋणों का भुगतान करने पर सरकार द्वारा कुछ ना कुछ उसको छूट प्रदान की गई होगी। तो ऐसे ऐसे काम भी हुए हैं कहीं ना कहीं। अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये है हैफेड। हैफेड के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुना भी होगा। कहते हैं कि हैफेड हरियाणा राज्य की सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है। जब 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को भारत के एक अलग राज्य के रूप में स्थान दिया गया था, तब ही हैफेड की स्थापना हुई थी। हैफेड हरियाणा राज्य में खाद्यान्नों की वसूली व खादों की वितरण की सबसे बड़ी एजेंसी के रूप में काम करता है।
हैफेड की जो हाई क्वालिटी के जो उपभोक्ता जो वाले तो उत्पाद हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं, मतलब इनके जो प्रोडक्ट होते हैं ना कंज्यूमर को यूज करने के लिए काफी सारी अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए ये बहुत फेमस है। तो हरियाणा को अधिक्य उत्पाद राज्य बनाने में हैफेड का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। हैफेड हरियाणा के किसानों के हितों की रक्षा करने में लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाता है। तो इस टॉपिक में हम कुछ ऐसा ही स्टडी करने वाले हैं। कहते हैं हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है जो विभिन्न कृषि आगत जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि को उचित समय व उचित कीमतों पर उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त यह प्रसंस्करण विपणन के लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं हैफेड खदानों की वसूली है, उपलब्ध उत्पादों को वितरण और हरियाणा में कार्यरत सबसे बड़ा सहकारी संगठन है डिस्ट्रीब्यूट करने में। कहता है कि इसकी स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 1966 को, और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो है पंचकुला। हैफेड रियल्टी में हाई क्वालिटी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराने में बहुत फेमस है। हैफेड मुख्य रूप से बासमती चावल, देसी गेहूं, इसका आटा, चीनी, हल्दी पाउडर आदि अवेलेबल कराता है। बता रहा हूँ फिर से, बासमती चावल, देसी गेहूं, आटा, चीनी, हल्दी पाउडर आदि अवेलेबल कराता है। तो इसके द्वारा केवल भारत में नहीं बल्कि फॉरेन में भी वस्तुएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, मतलब हम फॉरेन में भी गुड सेल करते हैं। तो हैफेड द्वारा मुख्य रूप से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब आदि में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त हैफेड के द्वारा कृषि आगतों, उपभोक्ता उत्पादों, खदानों का संग्रह करना, इनके जो हमारे वेयर हाउस हैं वेयर हाउस में भी किया जा सकता है, तो भंडार ग्राम में भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हैफेड के फीचर्स कौन कौन से हैं। हैफेड के फीचर्स की बात करें तो हैफेड के हमारे सामने 7 फीचर्स स्टडी करने को मिल रहे हैं। पहले फीचर के अंदर कहता है कि जो हैफेड हरियाणा का सबसे बड़ा सहकारी संगठन है, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है विभिन्न कृषि आगतों जैसे बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों आदि उचित समय पर या उचित कीमत पर उपलब्ध कराता है। कहता है कि हैफेड के अपने भंडार गृह हैं। चौथी बात, हैफेड द्वारा भारत के अलग अलग देशों को भी हम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, उनको भी गुड्स हम भेजते हैं। हैफेड के साथ अन्य कुछ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या हमारे पास समितियां कमेटियां हैं, जैसे कृषक भारती सहकारी लिमिटेड जिसका नाम है KRIBHCO आदि भी कृषि उत्पादों के प्रमोशन के लिए काम कार्यरत है। हैफेड ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए नई इकाइयां स्थापित की हैं जो उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध करवाती है। हैफेड खादों के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और खदानों की वसूली की एकमात्र या सबसे बड़ी एजेंसी है। अगर हम बात करें हैफेड के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिए हुए हैं, ये किसानों को कृषि आगत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, हैफेड द्वारा निर्मित अतिरिक्त खदानों व उत्पादों को उचित संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, खदानों की उचित मार्केटिंग को संभव बनाना, हैफेड से जुड़ी अन्य सहकारी समितियों को पूर्ण सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादों के प्रोडक्शन को बढ़ाना है वे उनकी सही रेट डिसाइड करना और उनकी सप्लाई भी पॉसिबल करना, कृषि उत्पादों के मार्केटिंग को मजबूत बनाकर कृषकों के हितों की रक्षा करना। फिर बात आती है कि प्रशासनिक समिति के संचालन के लिए प्रबंधकीय संचालकों की भी नियुक्ति की जाती है। इसका आई थिंक एक पेज मिक्स है। जो टॉपिक अब हम स्टडी करने जा रहे हैं इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द हैफेड। कहते हैं हैफेड का जो संगठनात्मक ढांचा है क्या है। कहते हैं कि जो हैफेड का जो मेन हेड ऑफिस है वो पंचकुला में है। हैफेड के कार्यों का जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के लिए संचालन के लिए प्रबंधकीय संचालन की नियुक्ति की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों का ऑपरेशन करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी फील्ड ऑफिसर कार्यरत हैं। हैफेड के 17 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, 62 सहकारी विपणन समितियां और 718 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं। हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हैफेड के भंडार गृह स्थापित हैं। हैफेड ने अपने उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्लांट स्थापित किए हुए हैं। हैफेड के 11 चावल मिले, 2 तेल मिले, 2 पशु आहार प्लांट, 1 चीनी मिल, 1 हल्दी प्लांट और 1 जौ का प्लांट भी है। खदानों की वसूली व विभिन्न उत्पादों के वितरण के लिए हैफेड के विभिन्न क्षेत्रीय विपणन कार्यालय हैं। ये जो हमारे 4 से लेकर 9 पॉइंट हैं
ये पॉइंट किसके हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के। इस 4 से लेकर 9 पॉइंट से पहले हमने 3 पॉइंट स्टडी किए हैं कि हैफेड का जो मेन हेड ऑफिस है वो पंचकुला में है, हैफेड के जो कामों का जो कंट्रोल होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे कौन है? हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी काम करती है। ये 3 पॉइंट थे, और 3 पॉइंट के बाद हमने 4 से लेकर 9 पॉइंट स्टडी किए हैं। ये थे हमारा हैफेड का क्या है, विशेषताएं, उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हैफेड की कुछ फंक्शंस के या रोल की, तो ये एग्रीकल्चर इनपुट्स को सप्लाई करने का काम करता है, खाद्यान्नों की वसूली करता है, फूड ग्रेन्स की बोले तो, फिर ये फूड ग्रेन्स की वेयर हाउसिंग का काम करता है, एग्रो प्रोसेसिंग भी है हमारे पास, काफी सारे प्लांट हैं, जैसे चावल की मिले हैं, तिल की मिले हैं, पशु आहार प्लांट है, चीनी मिल है, हल्दी प्लांट है, जौ प्लांट है, ये हमारे पास अवेलेबल है। फिर मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, एक्सपोर्ट करना, फैसिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज। तो हैफेड क्या करता है, एक्सचेंज की फैसिलिटी भी देता है। हैफेड अपनी मंडियों को उत्पाद एक्सचेंज से जोड़ रहा है, उत्पाद एक्सचेंज पर विभिन्न साधनों के लिस्टेड जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स का जो रेट है सरलता से ज्ञात हो जाता है, जिससे किसान पूरी तरह से उपलब्ध उत्पादों के मूल्य की तुलना सरलता से कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा हैफेड के बारे में, ठीक है। हैफेड में अगर हम बात करें कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, कौन कौन से कंज्यूमर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, जैसे सुपीरियर बासमती, सुपीरियर बासमती दुबारा दुबार, सुपीरियर बासमती तिबार, सुपीरियर मोंगरा, ब्राउन बासमती, स्पेशल पूसा बासमती, स्पेशल पूसा बासमती दुबार, स्पेशल पूसा बासमती तिबार, प्रीमियम गोल्ड बासमती, प्रीमियम गोल्ड बासमती सेला दुबार, प्रीमियम गोल्ड बासमती सेला मोंगरा, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन चावल, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन दुबार, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन तिबार, सुप्रीम लॉन्ग ग्रेन मोंगरा, सुपीरियर परमल चावल। अगर हम तिल की बात करें, तेल की किस्म, सॉरी क्वालिटी ऑफ ऑयल्स, सरसों तेल कच्ची घानी, एगमार्क ग्रेड, रिफाइंड कॉटन सीड तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल। अगर हम कुछ और आइटम्स की बात करें तो इसमें देसी गेहूं का आटा है, देसी गेहूं एक और भी है जिसका इन्होंने कोड दिया हुआ है C306, चीनी है, हल्दी पाउडर है। तो ये हैफेड के द्वारा कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो इसकी मार्केटिंग करता है। तो मेन कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केटेड बाय द हैफेड। तो ये हमने हैफेड का लगभग एक कंप्लीट टॉपिक स्टडी कर लिया है, जो बहुत इजी सा था। हरियाणा बजट 2023-24 की कुछ खास बातें हैं या कुछ कार्यकुशलता है, इसको भी एक बार देख लो, सुन लो। हरियाणा बजट 2023-24 की कुछ विशेषताएं की कार्यशीलता मैं स्टडी कर देता हूं, बोल देता हूं, देख लेना, सुन लेना। 23 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया, अमृतकाल का पहला बजट। यह बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार का नहीं बल्कि हरियाणा के प्रत्येक अंत्योदय परिवार का बजट है। अमृतकाल का पहला बजट गाँव शहर के समग्र विकास और अंत्योदय उत्थान के संकल्प को समर्पित है। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के प्रण के साथ ये बजट हरियाणा की अर्थव्यवस्था को बल देगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मनोहर लाल जी द्वारा दिया गया भाषण हरियाणा सरकार का अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था। यह भाषण 2 घंटे 14 मिनट तक चला और हरियाणा बजट 2023-24 के कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है, इसकी कुछ बातें हैं तो सुन लो। आगामी वित्तीय वर्ष में विकास दर का अनुमान 7.1% लगाया गया है। GSDP राजकोषीय घाटा 2.96% अनुमानित किया गया है। तीसरी बात, सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विकास में निम्न मात्रा में राशि आवंटित करने की घोषणा की गई है। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के अंदर 5 पॉइंट है, कौन कौन से? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व आयुष क्षेत्रों के लिए 9647 करोड़, लगातार डेवलपमेंट के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 1,20,958 करोड़, सड़कों, राजमार्गों व रेलवे क्षेत्रों के लिए 5,048 करोड़, पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़, राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़। तो मैंने अब तक आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। पहला पॉइंट
सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में 5 पॉइंट। अब है फोर्थ पॉइंट, बजट में किसानों के लिए निम्न घोषणा की गई है, ये चौथा पॉइंट है। चौथे पॉइंट में 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट, ढेंचा की खेती के लिए 720 करोड़ प्रति एकड़ की लागत का 80% सरकार वहन करेगी, किसानों को पराली के लिए 1000 करोड़ प्रति टन और एजेंसी को 1500 प्रति टन दिया जाएगा, शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और शहद व्यापार नीति लाई जाएगी, पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर पिन गवो न्यू में प्याज और मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए केंद्र बनाए जाएंगे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में फर्दर 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 5, हरियाणा की जनता को परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए 3 नई मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, कुंडली से पलवल एक्सप्रेस वे के साथ आरबीएल रेल कॉरिडोर भी स्थापित होगा, बजट में स्टार्टअप के लिए कैपिटल फंड की भी घोषणा की गई है, युवाओं के लिए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया गया है, इसके लिए अलग से 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह था सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट, बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है, सरकार चाहती है कि प्रदेश के बुजुर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को सुरक्षित समझे। पॉइंट नंबर 8, प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स इंश्योरेंस बेनिफिट योजना की शुरुआत होगी, अंबाला और पंचकुला में खेल अकादमी और 200 बिस्तर क्षमता के लिए छात्रावास स्थापित करने की घोषणा की गई है। पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 में 2 पॉइंट्स हैं, बजट में उद्योगों के लिए निम्न घोषणा की गई है। घोषणा नंबर 1, अनुसूचित जाति के उद्यमियों की सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में 20% तक छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। दूसरी घोषणा, अंबाला व गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसके लिए सब्सिडी सबवेंशन और स्टाफ ड्यूटी में छूट दी जाएगी। पॉइंट नंबर 10, बजट में कुछ अन्य घोषणा भी दी गई है जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर जो 10 है उसका पॉइंट नंबर 1, चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए विधानसभा बनाने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पॉइंट नंबर 10 का पॉइंट नंबर 2, वृद्धावंश पेंशन पात्रता आय 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक की घोषणा की गई है। पॉइंट नंबर 3, गरीब लड़कियों को आईटीआई में प्रवेश लेने पर हर महीने 2500 रुपए वित्तीय सहायता के रूप में घोषणा की गई है। पॉइंट नंबर 4, सहकारी चीनी मिलों को 1200 करोड़ की सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। पॉइंट नंबर 5, 1.80 लाख से कम आय वाले परिवारों के लिए 1 लाख मकान देने की घोषणा की गई है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा 2023-24 के बजट में सभी क्षेत्रों के विकास की तरफ ध्यान देने की संपूर्ण प्रयास किया गया है। तो हमने यहाँ पर पॉइंट टोटल 10 पॉइंट स्टडी की है, जो पॉइंट नंबर 3 है उसमें 5 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 में 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 9 में 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 10 में 5 पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने आपको हरियाणा का बजट लगभग जो समरी फॉर्म में था बता दिया था। इसको इन्होंने बोला था अमृतकाल, 23 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस ओत के साथ इस प्रण के साथ ये पेश किया गया, ठीक है। यह भाषण 2 घंटे 14 मिनट तक चला। इसकी जो खास बातें हैं मैंने आपको पॉइंट्स में बता दी हैं, काफी है ना। सुनीता नाउ डन, तुमने 22-23 बोला था, मैंने 23-24 ही बता दिया। ओके, आप जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं ये हरियाणा बजट को लेकर है, तो कुछ इसमें न्यूमेरिकल डेटा आई थिंक नहीं मिल रहा है, बट न्यूमेरिकल डेटा आप देख लेना अगर आपको कहीं से मिले तो। बट फिर भी हम थ्योरी की फॉर्म में देख रहे हैं इसको, एक बार इसे ओवरव्यू ले रहे हैं इसका हरियाणा का बजट, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं।
कहता है कि बजट सरकार की इनकम और एक्सपेंसेस का एक हमारा प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट होता है। हम एक आइडिया लगा के चलते हैं हमारा आने वाले टाइम में क्या एक्सपेंस होने वाली है, क्या इनकम होने वाली, कहां से रिवेन्यू, ये वो सब। तो प्रत्येक साल फरवरी के प्रयास के अंतिम दिन, अंतिम कार्य दिवस को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा संसद में अनुमोदन के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाता है, ये तो आपको पता है। तो बजट द्वारा सरकार की पिछले वर्ष की वित्तीय उपलब्धियों और अगले साल की वित्तीय नीतियों का भी ज्ञान होता है, मतलब पिछले साल हमने क्या क्या अचीव किया और अगले साल की हमारी क्या पॉलिसी है, हमको दोनों पता चल जाता है। तो बजट का एक इकोनॉमी कर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो राजस्व बजट या पूंजीगत बजट बजट के मुख्य अंग होते हैं, रेवेन्यू है या कैपिटल बजट, दोनों। तो प्रत्येक कंट्री के अंदर विभिन्न उपायों द्वारा बजट के घाटे को कंट्रोल करने के लिए हमारा एक एफर्ट रहता है। तो इस टॉपिक में लगभग लगभग हम यही बातें स्टडी करने वाले हैं कि हमारे पास ये गवर्नमेंट बजट क्या है। तो गवर्नमेंट बजट से मतलब होता है कि सरकार की वार्षिक आय तथा वार्षिक व्यय के ब्यौरे से है, जिसके द्वारा हम अगले वित्तीय वर्ष अर्थात 1 फरवरी से 31 जनवरी तक के वित्तीय अनुमानों को प्रकट किया जाता है। इसमें सरकार की पिछले साल की संबंधित उपलब्धियों और कमियों को भी प्रकट किया जाता है, मतलब पिछले साल हमारे पास क्या कमियां रही, हम कहां पर फेल हुए, कहां का अचीवमेंट हुआ, ये भी हम शो करते हैं। तो बजट का ये भाग ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सामान्य बजट का वह भाग अधिक महत्वपूर्ण होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय या व्ययों का समय ब्यौरा होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी फ्यूचर की, मतलब फ्यूचर में हमारी एस्टिमेटेड इनकम कितनी होगी और एस्टिमेटेड हमारी एक्सपेंसेस कितने होंगे, इसको हम ज्यादा लेके चलते हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट की बजट के हम फीचर्स की बात करें, तो ये गवर्नमेंट जो बजट होता है कौन तैयार करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेडी किया जाता है। तो गवर्नमेंट बजट की सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एक खास बात है कि यह बजट सरकार की अनुमानित आय व्ययों की पूरी जानकारी देता है, और इससे हमें यह भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि गवर्नमेंट कब कितने सोर्सेज से और कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करेगी, कब कब किन किन कामों के ऊपर हम खर्च करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमको मिल जाती है। गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल ईयर हेतु 1 फरवरी से लेकर 31 जनवरी तक की अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो ये डेट ध्यान रख लेना, 1 फरवरी से 31 जनवरी। गवर्नमेंट बजट सरकार की आने वाली पॉलिसी और प्रोग्राम्स की जानकारी देता है। गवर्नमेंट बजट के आगामी राजस्व या व्ययों को राज्य विधान पालिका की स्वीकृति प्राप्त होती है। सरकारी बजट, गवर्नमेंट बजट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तैयार किए जाने के कारण पूरी अर्थव्यवस्था के सभी आर्थिक क्षेत्रों को प्रभावित करती है, मतलब जितने भी हमारे एरियाज होते हैं सारे एरियाज को हम क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब बात करें हमारे गवर्नमेंट बजट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट बजट की अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है आय व संपत्ति का समान वितरण। तो सरकारी बजट में सरकार की जो टैक्स पॉलिसी होती है, ये जो आर्थिक सहायता होती है, उससे रिलेटेड जितनी पॉलिसी होती है उन सारी पॉलिसीज के बारे में लिखा जाता है। तो इन पॉलिसीज की हेल्प से हम जनता के मध्य इनकम और एक्स जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोत्साहन दिया जाता है, ताकि सामाजिक जो असमानता है, जो सोशल इनइक्वलिटी है, उनको हम दूर कर सके। तो सामाजिक समानता अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय का प्रतीक होती है। इसका अभाव, मतलब अगर सामाजिक समानता नहीं है तो किसी भी देश को यह खोखला बना देती है। इसलिए भारत जैसे कल्याणकारी देश के लिए आय और संपत्ति का समान बंटवारा बजट निर्माण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। फिर जो गवर्नमेंट बजट का जो सेकंड टारगेट है वो क्या होता है, अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण में संतुलन, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट हो और हमारा जो सामाजिक कल्याण है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो जैसे कुछ एरियाज, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें अधिक लाभ तो प्राप्त होते हैं परंतु सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं होती, जैसे शराब की बात करें, सिगरेट की बात करें, इनका उत्पादन है। इसके विपरीत कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें सामाजिक कल्याण में वृद्धि तो होती है परंतु प्रॉफिट भी कम होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि प्रॉफिट ज्यादा हो, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा जो सोशल वेलफेयर है सामाजिक कल्याण भी ज्यादा हो, पर गवर्नमेंट कह रही है, यहाँ पे टॉपिक भी लिखा हुआ है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पे प्रॉफिट तो ज्यादा हो जाता है पर समाज का कल्याण नहीं होता। जैसे दारू बनाना, प्रॉफिट तो निकाल लोगे, समाज का कल्याण नहीं होगा। सिगरेट बनाना, तंबाकू का प्रोडक्शन करना, खुद को तो बेनिफिट हो जाएगा पर समाज का कल्याण नहीं हो रहा। पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर समाज का कल्याण तो ज्यादा होता है पर हमारा बेनिफिट नहीं होता। तो काफी सारी एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं। फिर आर्थिक संतुलन की भी बात करते हैं। तो सरकार का जो मेन टारगेट होता है, जो गरीबी का जो दुष्चक्र है, जो व्यापार का जो चक्रों का दुष्प्रभाव है, उससे बचाना है। तो सरकार क्या करती है, बजट की सहायता लेती है और आर्थिक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इससे क्या होता है, विकास की गति को बढ़ावा मिलता है और हमारा इन्वेस्टमेंट को भी प्रोडक्शन अट्रैक्ट होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा आती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस,
तो गवर्नमेंट बजट की हेल्प से हम जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनको डेवलप करने का एफर्ट करते हैं, तो जो पब्लिक एंटरप्राइज है देश की विकास की गति को बढ़ाने में योगदान दे सकें, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सार्वजनिक उद्यमों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए मोटिवेट करती है जहां पर प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है। ठीक है, अगली बात है बजट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं या बजट का क्या स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात, एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की आय और व्यय के अनुमानों का विवरण सरकारी बजट होता है। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास कितनी इनकम होने वाली, कितना एक्सपेंसेस होने वाले हैं, इसके एस्टिमेशन जहां पर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। बजट के यहां पर दो मुख्य घटक होते हैं, बजट की प्राप्तियां बोले तो बजट की रिसिप्ट और बजट की हमारे क्या एक्सपेंसेस हैं। तो बजट के इन घटकों को मिलाकर बजट की हम संरचना करते हैं। तो बजट संरचना के कुछ घटकों को हम नीचे लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट्स। पहले है हमारे पास रेवेन्यू बजट, फिर ये है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में अगर बात करें तो हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में बात करें तो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है। बजट के यहां पर हमारे पास कुछ घटक जो दिए हुए हैं इसको हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे हम बात करें बजट की रिसिप्ट के अंदर, इन्होंने अभी रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात की हुई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट की रिसिप्ट क्या क्या होती हैं। बजट की रिसिप्ट मतलब अनुमानित हमारी जो मॉनेटरी या बजट की प्राप्तियां होती हैं। तो बजट प्राप्तियों के अंदर में हमारे पास कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट होती है और कुछ कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो ये टॉपिक इन्होंने यहां पर देखो थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो किया हुआ है। बजट की रिसिप्ट को इन्होंने फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड द कैपिटल रिसिप्ट। जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है कहां कहां से होती है, टैक्स रिसिप्ट और द नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो यहां पर हम लोन की रिकवरी करते हैं, बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, कुछ अदर रिसिप्ट्स की बात कर रहे हैं। अभी इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे हमारे पास होती है टैक्स से रिसिप्ट। टैक्स में भी अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स ड्यूटी, ये सारी की सारी हमारे पास होती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो ये सारी की सारी आ गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारे पास जो पहली प्राप्ति है वो है टैक्स की। टैक्स के अंदर भी सबसे जो फर्स्ट पार्ट था मैंने आपको बता दिया, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड द सेल्स टैक्स। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर जो हमारा सेकेंड जो टॉपिक है वो है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स मतलब जो टैक्स वाली रिसिप्ट नहीं है, जैसे कभी कभी हम कुछ लोगों से फीस वसूल करते हैं। फीस किस किस चीज की हो सकती है, रजिस्ट्रेशन की फीस हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस की, शराब बेचने का लाइसेंस, ये सब ये सारी फीस होती है। फिर एस चीट, ठीक है, एस चीट का मतलब गवर्नमेंट की उस इनकम से है जिसमें लवारी संपत्ति से प्राप्त होती है, अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है उससे प्राप्त होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं, एस चीट। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है और ऐसी प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट को इनकम होती है, दैट इज एस चीट। तो ये भी एक ऐसी रिसिप्ट है जिसको हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कह सकते हैं। फिर स्पेशल असेसमेंट, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कभी कभी प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ा देती है, कुछ ऐसा होता है कि संपत्ति में सुधार हो जाता है, उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो अभी जो संपत्ति का मालिक होगा ना वो गवर्नमेंट को कुछ भुगतान करता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। मतलब जब सरकारी कामों की वजह से किसी भी प्रॉपर्टी में सुधार होता है, उसकी मूल्य में वृद्धि होती है, तो जो संपत्ति का मालिक होगा ना वो कुछ भुगतान करेगा सरकार को, इसको हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। आगे है इकोनॉमिक पेनल्टीज, जैसे दंड के रूप में भुगतान करना या सरकार की गैर कर आय होती है, तो ये कुछ ऐसी इनकम होती है जो आय का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता, पर फिर भी यहां यहां से हमारी इनकम होती हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं यहां पर क्या टॉपिक था ये। ये हमने टॉपिक रिसिप्ट स्टडी किया है रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर इन्होंने दो टॉपिक के अंदर डिवाइड किया, यहां तो पहली रिसिप्ट तो हो रही है हमारी टैक्स से, फिर ये हो रही है नॉन टैक्स से।
टैक्स की अगर आप बात करें तो यहां पर हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये तो हमारी टैक्स रिसिप्ट होती हैं। और अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो हम कभी कभी फीस वसूल करते हैं, एस शीट, स्पेशल असेसमेंट और हमारी जो इकोनॉमिक पेनल्टीज होती हैं, जो दंड होते हैं, तो ये हमने टॉपिक अभी क्या स्टडी किया, सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट का। रेवेन्यू रिसिप्ट के आगे हमारे पास जैसे ये टॉपिक जो हमारा अभी स्टडी कंटिन्यू चल रहा है अभी, सरकारी उपक्रम की आय या ग्रांट्स हैं, ये सारे टॉपिक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अभी कैपिटल रिसिप्ट की। क्या कैपिटल रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं, लोन की रिकवरी करते हैं, या किसी से हम बोरोइंग लेते हैं, उधार लेते हैं, या कुछ अदर रिसिप्ट भी होती हैं। तो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास रिसिप्ट के टॉपिक। तो यहां तक हमने रेवेन्यू रिसिप्ट भी स्टडी कर ली और कैपिटल रिसिप्ट भी स्टडी कर ली। इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा बजट के एक्सपेंडिचर। बजट के एक्सपेंडिचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर बात करें तो एक ऐसे खर्च है जिसके फलस्वरूप न तो सरकार की कोई देयता में, लायबिलिटी में कमी होती है और न ही किसी प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। जैसे ब्याज का भुगतान करना, आर्थिक सहायता पर व्यय करना, प्रतिरक्षा के लिए कुछ व्यय करना, ये सारे हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उस अनुमानित खर्चे से जिसका फलस्वरूप सरकार की देयता में कमी होती है, प्रॉपर्टी का निर्माण भी हो सकता है, जैसे लैंड या बिल्डिंग के ऊपर हमने कुछ खर्चा किया, मशीनरी या इक्विपमेंट पर खर्चा किया, शेयर्स के खरीदने पर हमने कोई खर्चा किया, ये सारी की सारी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली हमने बजट के टॉपिक स्टडी कर लिए हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा लेके चलता हूं थोड़ा सा पीछे, इन्होंने कहां से टॉपिक स्टार्ट किया था, ये टॉपिक इन्होंने स्टार्ट किया था, देखो ध्यान से, ठीक है। बजट रिसिप्ट से भी पहले मैं आपको क्या बता रहा था, ये रेवेन्यू और कैपिटल बजट। तो इसके अंदर इन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट भी बता दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बता दिया, कैपिटल रिसिप्ट भी बता दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का टॉपिक भी बता दिया आपको, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा जो बजट को लेके था हमारा लगभग कवर हो चुका है, पर इसके अलावा भी कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं कि बजट की क्या इंपॉर्टेंट होती है, क्या इंपॉर्टेंस है। बजट की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, ये हमारी रेवेन्यू कलेक्शन का है, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ डेवलपमेंट, रिडक्शन इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी, रिडक्शन इन द इकोनॉमिक इनक्वालिटीज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स, ये सारे के सारे अंदर हमारे पास आ रहा है गवर्नमेंट बजट की हमारे जो भी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। बजट के अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बोले तो आर्थिक संतुलन, डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो मैंने आपको गवर्नमेंट बजट्स के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो भी बता दिए हैं और बजट की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी बता दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक और भी है, बट आई थिंक एग्जाम के पॉइंट से ज्यादा नहीं है, कि टैक्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे हैं, ठीक है। काफी है ना, अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, बोले तो हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल, ठीक है। तो हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, इसके हम इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हरियाणा में इसकी स्थापना की गई है 1969 में। हरियाणा सरकार ने पंजाब खादी व ग्रामोद्योग मंडल अधिनियम 1955 के अंडर में की थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के 15 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, कितने सदस्य हैं मैक्सिमम 15, एमसीक्यू नोट कर लेना। इन सदस्यों की जो नियुक्ति है हरियाणा के सरकार द्वारा की जाती है,
इस संगठन के जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, चेयरमैन हैं, या मेन सीईओ है, या अधिकारी हैं, या गैर अधिकारिक सदस्य भी हो सकते हैं। इन सदस्यों की 3 महीनों में एक सभा होनी बहुत जरूरी है। तो सेकंड एमसीक्यू नोट कर लेना, 3 महीनों के अंदर। हरियाणा में ये जो एच के वी आई बी है और के वाई आई सी है, दोनों ही संगठन रोजगार पैदा करने के अंदर महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मतलब इनका जो मेन टारगेट है वो लोगों को नौकरियां देने का भी है, नौकरियां पैदा भी करती हैं। तो इन मंडलों का जो मुख्य उद्देश्य है, हरियाणा सरकार में खादी व ग्रामीण उद्योग का विकास करना है। तो हरियाणा राज्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनात्मक कार्य कर रहा है, ताकि ग्रामीण लोगों की शहरों पर रोजगार के लिए निर्धनता कम हो सके। तो गाँव के लोगों को उपभोक्ता प्रोडक्ट अवेलेबल कराने में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। कहता है कि जो खादी होती है, खादी कहता है कि त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने वाला कपड़ा है। खादी का कपड़ा सुना है ना आप सबने, वही खादी की बात कर रहा है। कहता है कि जो खादी होता है वो एक ऐसा कपड़ा है जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, स्किन को नुकसान नहीं करता। कहता है खादी कपड़े के निर्माण की प्रक्रिया श्रम प्रधान टेक्निक पर आधारित है। यह कपड़ा गर्मियों में ठंडा तथा सर्दियों में गर्मी का एहसास देता है। इस कपड़े से त्वचा में कोई एलर्जी या कोई रोग नहीं होता। ये कपड़ा राष्ट्रवाद, शांति, सादगी का सूचक है। कहता है जो आजकल जो यूथ पीढ़ी है या हाई प्रोफाइल लोग हैं, खादी के डिजाइनर कपड़ों का निर्माण किया जाता है, उनके लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन कपड़ों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, मोदी जी को खादी की बास्केट डालते हैं, कुछ लोग और भी खादी कपड़े डालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः खादी का कपड़ा भारत की इंडस्ट्रीज में एक स्पेशल स्थान रखता है। अगर हम बात करें विलेज की इंडस्ट्रीज की, तो कहता है कि हरियाणा राज्य में हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष रूप से ये सहायता प्रदान करता है। तो ग्रामीण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल तथा लेबर्स के लिए पूर्ति स्थानीय स्रोतों से ही की जाती है। तो मतलब जो लेबर होती है या कच्चा माल है वो लोकल सोर्सेज से हम पूरा कर लेते हैं। तो इन इंडस्ट्री द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट को हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो खादी ग्रामोद्योग मंडल के अकॉर्डिंग गांव में स्थित ऐसी औद्योगिक इकाइयां जो प्रति 1,00,000 रुपए के निवेश पर एक व्यक्ति के रोजगार प्रदान करती है, उसे ग्रामीण औद्योगिक का नाम दिया जाएगा। खादी व ग्रामीण उद्योगों के अंदर विभिन्न उत्पाद, काफी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे शहद, बर्तन, खादी वस्त्र, प्रोसेस फूड, अगरबत्ती, शक्कर, माचिस, गुड़, खंडसारी आदि का प्रोडक्शन किया जाता है। इसीलिए ग्रामीण उद्योगों का पारस्परिक और आधुनिक उद्योगों की स्थापना करने में काफी सारा योगदान है। अगर हम इसके अभी उद्देश्यों की बात करें, एच के वी आई बी के अगर हम उद्देश्यों की बात करें, तो उद्देश्यों में क्या है, ग्रामीण लोगों की शहरों पर निर्भरता को कम करना, मतलब लोग शहरों पर डिपेंडेंट कम हो जाएं, रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का पैदा करना। इसका जो टारगेट है वो खादी व ग्राम के उद्योगों के प्रचार और विक्रय को बढ़ावा देना, सेल को इंक्रीज करना और उनका प्रमोट भी करना। इन उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय कच्चे माल और मानवीय कौशल का उचित प्रयोग करना, मतलब हमारे जो आसपास कच्चा माल है या ह्यूमन है, लोग हैं, उनकी क्वालिटी को हमने यूज करना, मतलब लोगों को आसपास नौकरियां वहीं पे मिल जाएं। छोटे छोटे उद्योगों द्वारा हरियाणा राज्य का विकास करना, उद्योगों के पूर्व विकास के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खादी व ग्राम उद्योग से जुड़े उद्यमियों को विशेष सलाहकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराना। अब हम बात करें कि ये जो एच के वी आई बी है, इसके जो क्या काम है, इसके फंक्शंस की बात करें, तो पहला जो फंक्शन है इसका वो है रोजगार में वृद्धि करना। एच के वी आई बी का जो मेन टारगेट है वो है रोजगार के अवसरों को अधिक से अधिक पैदा करना। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए एच के वी आई बी क्या कर रहा है, खादी व ग्राम उद्योग से जुड़े लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट के रूप में सब्सिडी या रिबेट की फॉर्म में लोन भी अवेलेबल कराता है। फिर ट्रेनिंग देना, उचित ट्रेनिंग देना। कहते हैं ये खादी ग्राम उद्योग के क्षेत्र में सहकारी समितियों गठन करती है तथा एंटरप्रेन्योर, शिल्पकार या कर्मियों को उचित ट्रेनिंग देती है। तो जब हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, खादी व ग्राम उद्योग के प्रोडक्शन में वृद्धि होने से खादी व ग्राम उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इसका जो अगला फंक्शन है वो है कच्चे माल की उपलब्धता। खादी के ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये क्या कर रहा है, कच्चे माल की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई सबको प्रॉपर कच्चा माल मिल जाए, तथा उद्योगों में प्रयोग होने वाले औजारों व उसके
जो मैकेनिज्म है उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, फिर प्रचार में बढ़ावा, इंक्रीज इन द एडवर्टाइजमेंट, ये खादी व ग्राम उद्योग के विकास के लिए तथा प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए प्रदर्शनी आयोजित करता है। जैसे प्रदर्शनियां लगती है ना, वैसे तो प्रदर्शनियों के माध्यम से ये प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, वस्तुओं को फेमस बनाता है, जनता को, पब्लिक के पब्लिक को इन प्रोडक्ट की क्वालिटी से हम अवगत कराते हैं। इसके अतिरिक्त एच के वी आई बी द्वारा प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए स्टोर, शोरूम आदि की भी स्थापना की गई थी। फिर सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट, सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट कहते हैं कि खाद्य ग्राम उद्योग में लगे व्यक्तियों की सहायता के लिए उन्हें एक्सपर्ट की सेवाएं भी हम देते हैं। इसके फलस्वरूप इन कार्यों में लगे व्यक्तियों की कार्य कुशलता में, एफिशिएंसी में इंक्रीज इंक्रीज होता है। मतलब जो भी लोग इस प्रकार के कामों में लगे हुए हैं, इस प्रकार की इंडस्ट्री चलाने के अंदर, तो उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है और प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है। फिर कहता है कि अनुसंधान की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ रिसर्च, खादी व ग्राम उद्योग से जुड़े उत्पादों के लिए अनुसंधान की सुविधा भी देता है, और अनुसंधान के माध्यम से प्रोडक्ट की एक ऐसी टेक्निक की खोज की जाती है जिससे प्रोड्यूसर अच्छी तरीके से और अधिक मात्रा में हो सके, प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। इसलिए उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ मिलता है, जो प्रोड्यूसर है, जो कस्टमर है, उनको दोनों को बेनिफिट होता है। मतलब कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोड्यूसर को अच्छा प्रोडक्ट दूसरे देने से फायदा मिल जाता है। फिर गवर्नमेंट के काम, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, तो कहते हैं खाद्य ग्राम उद्योग के विकास के लिए एच के वी आई बी सरकार द्वारा सौंपे जाने वाले प्रत्येक कार्य को उचित रूप से करता है, तो संगठन से जुड़ी सभी इकाइयों के तालमेल बनाए रखने का भी प्रयास करती है। ये जो एच के वी आई बी है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी यूनिट जुड़ी होती है ना, उन सबके साथ कॉरपोरेशन को बना के रखना, तो ये भी इसका एक एफर्ट रहता है। तो ये जो टॉपिक हमने स्टडी किया, ये था एच के वी आई बी को लेकर। इसके अंदर हमने इसका पहले मीनिंग देखा ये है क्या, हमने फिर इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, फिर इसके हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं, ठीक है। फिर हमने इसके अंडर में कुछ अचीवमेंट भी हासिल की हैं। अचीवमेंट्स के अंदर अगर हम बात करें, लेस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इंकरेजमेंट, इंक्रीज इन आर्टिस्टिक्स बोले तो कलाओं में वृद्धि हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इंक्रीज हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी इंक्रीज हुआ है, रूरल डेवलपमेंट हमारी पहले से अच्छी हो गई है, एम्प्लॉयमेंट में भी हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं एच के वी आई बी की, ठीक है। बट हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। हम कभी कभी ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे अच्छे उद्यमियों का अभाव है, लैक ऑफ एबल एंटरप्रेन्योर्स। तीसरा जो हमारा कमी है वो है लैक ऑफ फाइनेंस की। फोर्थ, शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली की पूर्ति में कमी है। पांचवी जो असफलता है, पांचवी जो कमी है हमारे पास, लिमिटेड डिमांड ऑफ गुड्स, मतलब वस्तुओं की सीमित मांग। सिक्स, प्रतिस्पर्धा का सामना, फेस द कॉम्पिटिशन। सेवेंथ, मानकीकरण व श्रेणीकरण का भाव, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड द ग्रेडिंग। एट्थ, डिफिकल्टीज इन सेल। तो ये हमारे पास कुछ हमारे पास प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं। अगर इन प्रॉब्लम से बाहर आने की बात करें तो हमारे पास कुछ सजेशंस भी हैं इम्प्रूव करने के। सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। पहली बात, लिबरल फाइनेंस फैसिलिटी। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फोर्थ, इंप्रूवमेंट इन द सेल। फिफ्थ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स। सिक्स्थ, रिसर्च इनिशिएटिव्स। तो ये हमारे पास कुछ कुछ सजेशंस थे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कवर हुआ अभी हरियाणा खादी को लेकर, हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल बोर्ड। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है हरियाणा बजट को लेकर। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, HFC, हरियाणा वित्त निगम, ठीक है। तो हरियाणा वित्त निगम के बारे में स्टडी कर लेते हैं।
कहते हैं किसी भी कंट्री में अगर हम इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए सेंट्रल लेवल पर औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य स्तर पर राज्य वित्त निगमों की स्थापना की गई है, ठीक है। तो कहते हैं कि राज्य वित्त निगमों की स्थापना का जो मेन टारगेट है वो है राज्य की जो भी लघु स्मॉल या मीडियम जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको लोन वगैरह देना, क्रेडिट अवेलेबल कराना। कहते हैं कि हरियाणा में हरियाणा वित्त निगम की स्थापना 1967 में की गई थी, किसके रूप में? पंजाब वित्त निगम के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई थी, रिकंस्ट्रक्शन की फॉर्म में। राज्य स्तर पर एक स्थापित पहली सरकारी वित्तीय संस्था थी जिसने जनता के अंशों को निर्गमन किया था, मतलब हमने पब्लिक को शेयर्स भी इशू किए थे। और सेबी ने एचएफसी को पहले वर्ष के वाणिज्य बैंक कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर की संज्ञा दी। तो इस चैप्टर के अंदर हम इस टॉपिक में कहीं ना कहीं एचएफसी के जो भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ये जो एचएफसी है उसकी क्या खास बात है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या उद्देश्य हैं। तो ध्यान से देखना, एचएफसी का जो पहला एचएफसी पहला राज्य स्तरीय सरकारी वित्तीय संस्था है जो राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो पहला ये एमसीक्यू के अंदर आप देख लेना, ये जो राज्य वित्तीय निगम है 1951 उसके प्रावधान, उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। एचएफसी पर हरियाणा राज्य सरकार का स्वामित्व है, ओनरशिप है। इसमें हरियाणा सरकार के लगभग 97.28% अंशों पर हरियाणा सरकार का अधिकार है। तो दूसरी बात ये आ गई कि इसके ऊपर ओनरशिप किसकी है, हरियाणा गवर्नमेंट की। तीसरी बात, कितने परसेंट शेयरों पर कंट्रोल है, 97.28%। फिर एचएफसी का जो मेन टारगेट है वो है हरियाणा स्टेट के अंदर औद्योगिक विकास की गति को तेज करना। चौथी बात यह है, हरियाणा की जो स्मॉल और मिडल साइज की जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट है उनको क्रेडिट की फैसिलिटीज देना। फिर एचएफसी एक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंश मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। तो देख लेना ये एक लिस्टेड कंपनी है, ये अगला छोटा क्वेश्चन है जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। यह इंडस्ट्रियल यूनिट द्वारा बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन की वापसी की भी गारंटी देता है तथा उनके अंशों शेयर्स बॉन्ड और डिबेंचर्स के अंडरराइटर्स का भी काम करता है। यह हरियाणा की इंडस्ट्रियल यूनिट को स्थायी संपत्तियां खरीदने, नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और वर्तमान औद्योगिक इकाइयों का एक्सपेंशन करने के लिए भी मैक्सिमम 5 करोड़ तक की राशि का लोन प्रदान करता है। मतलब आपको नई यूनिट लगानी है, प्रॉपर्टीज परचेज करनी है या जो प्रेजेंट के अंदर जो भी यूनिट है उनको अपना एक्सपेंशन करना है तो उनके लिए उनको मैक्सिमम 5 करोड़ तक की राशि का लोन देता है। यह हरियाणा सरकार के जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो सलाहकार की जो सुविधाएं हैं वो भी कंसल्टेंसी की सेवाएं भी प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं कि जो एचएफसी का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इसके अंदर 5 बातें आपको स्टडी करने को मिल रही है। पहली बात, एचएफसी का जो मेन हेड ऑफिस है वो कहां पर है, चंडीगढ़ में है। एचएफसी का जो मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो जो हमारा मंडल होता है वो कहां पर है, इसमें जो कुल 7 डायरेक्टर हैं जिसमें से एक डायरेक्टर चेयरमैन के रूप में काम करता है। कहते हैं कि एचएफसी की जो एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसमें एक अध्यक्ष है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और 2 अन्य डायरेक्टर भी हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, एचएफसी की ओर स्पेशल रूप में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, दिशा निर्देश होते हैं जारी करती है और प्रशासनिक जो भी मामले होते हैं उनकी भी देखरेख करती है। अगली बात, प्रबंधकीय संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर कार्यकारिणी समिति का एक भाग है जो एचएफसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। एचएफसी के जो डेली रूटीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो एक महाप्रबंधक और 2 अन्य सब महाप्रबंधक की देखरेख में किए जाते हैं। कहता है कि जो एचएफसी की है जो मेन 6 ब्रांचेस हैं जो दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक और चंडीगढ़ में है। तो अगला ये एमसीक्यू भी हो सकता है, इसकी 6 ब्रांचेस हैं दिल्ली, गुड़गांव, हिसार, पानीपत, रोहतक और चंडीगढ़। इसकी प्रत्येक शाखा एक ब्रांच मैनेजर की देखरेख में काम करती है, ठीक है। फिर इसके अगर हम संगठनात्मक ढांचे की बात करें, संगठन ढांचा तो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। जो एचएफसी के जो काम है वो देख लेते हैं। एचएफसी का काम है लोन प्रोवाइड करना, सर्वेस करना, सलाहकारी सेवाएं देना, बोले तो कंसल्टेंसी सर्विस ही देना, लोन्स की गारंटी देना,
इक्विटी में पार्टिसिपेट्स करना, बोले तो जो भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट होती हैं उनके शेयर्स को परचेज करना, अंडरराइटर्स का काम करना, अंडरराइटिंग फंक्शन, कुछ दूसरे फंक्शंस भी हैं। तो ये मैंने आपको कुछ इसके फंक्शंस बता दिए हैं, लोन प्रोवाइड करना, सर्वे कंडक्ट करना, कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, लोन की गारंटी देना, इक्विटी में पार्टिसिपेट करना और अंडरराइटिंग के फंक्शंस भी दें, अंडरराइटिंग के फंक्शंस भी करना, ठीक है। हमारी कुछ असफलताएं भी रही हैं, फेलियर्स, एचएफसी की कुछ हमारी फेलियर्स भी हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस, नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अनबैलेंस रीजनल लोन डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर अप्रेजल ऑफ लोन एप्लीकेंट्स, मतलब जो भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनके हम अच्छे से मूल्यांकन नहीं कर पाते, किसको लोन देना नहीं देना है, कभी बिना सोचे भी हम लोन दे देते होंगे, पुअर रिकवरी ऑफ डेट्स, लोन की मान लो हम रिकवरी नहीं कर पाते, पुअर मॉनिटरिंग ऑफ लोन, जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनके ऊपर हम नजर नहीं रख पाते, कंपटीशन भी हमारा दूसरे लेंडर्स के साथ ज्यादा चल रहा है, मर्चेंट बैंकिंग क्रियाओं का कम विकास, लेस ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज, हाई पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, हमारा लोगों के ऊपर मतलब प्रशासनिक जो भी काम होते हैं उनके ऊपर हमारा खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारी यहाँ पर मैंने कुछ आपको इसके फंक्शन भी बता दिए और एचएफसी की जो हमारी जो ये जो असफलता है फेलियर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं, इन्होंने शॉर्टकट नेम ऐसे दिया हुआ है HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। तो डेफिनेटली जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल सा है, अभी हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो कहते हैं कि पहले हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य था, परंतु क्या हुआ 8 मार्च 1967 को हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम की स्थापना के बाद, मतलब ये जो बता रहे हैं इसकी स्थापना के बाद यह एक औद्योगिक प्रधान राज्य भी बन गया इंडस्ट्रियल। तो इस निगम ने हरियाणा में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तियों, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक समूहों आदि की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इस निगम ने, इस कॉरपोरेशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति तेज करने के लिए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। मतलब जो हमारी कंट्री के जो हरियाणा के जो इन्वेस्टर थे उनको तो मोटिवेट किया, फॉरेन के इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट किया है उनको लाने के लिए। तो हरियाणा के जो भी एंटरप्रेन्योर थे उनको मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की सलाहकारी, बोले तो सजेशन देने वाली, एडवाइस देने वाली सेवाएं भी प्रदान की गई। परंतु फिर भी यह निगम कुछ क्षेत्रों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, काफी सारे एरियाज में इसको सक्सेस नहीं मिली है। परंतु इस चैप्टर के अंदर हम डेफिनेटली इस टॉपिक में हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। कहते हैं कि जो हरियाणा का जो स्टेट है, हरियाणा जो स्टेट है वो एक सरकारी, ये जो हमारा जो टॉपिक था ये HSIIDC वाला, ये कह रहा है कि एक सरकारी कंपनी है, मतलब ये जो टॉपिक है ना HSIIDC, ये कह रहा है कि ये जो है ना एक सरकारी कंपनी है जिसके 100% इक्विटी शेयर्स पर हरियाणा सरकार का अधिकार है। कहते हैं कि ये एक, इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पंचकुला में है और इसका जो मेन काम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है। इसके लिए HSIIDC द्वारा काफी सारी औद्योगिक बस्तियां, पार्क विकसित किए गए हैं। तो ये जो HSIIDC है ये एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में भी काम करती है, ये कंपनी एक सर्वोच्च एजेंसी के रूप में भी काम करती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अब हम ध्यान से देख लेंगे। HSIIDC का जो मेन टारगेट है वो क्या है, हरियाणा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति को तेज करना, ये है इसका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज है जैसे रोड है, पुल है, जल की पूर्ति है, पावर सप्लाई है, सीवरेज है, निकासी है, गोदाम है, पार्क है आदि को डेवलप करना। इंडस्ट्रियल यूनिट की संख्या में वृद्धि के लिए HSIIDC ने टेक्निकल सर्वे, मार्केटिंग सर्वे और काफी सारे स्टडीज ऐसी की हैं जो जिसके अकॉर्डिंग हम योजनाएं चलाते हैं और उसको विकसित करते हैं। हरियाणा राज्य में औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए HSIIDC द्वारा सभी औद्योगिक उपक्रम, चाहे वे सरकारी हो या निजी हो, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट देना। फिर सभी क्षेत्रों का बैलेंस ग्रोथ करने के लिए सुनियोजित तरीके से इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना करना और उनका मैनेजमेंट करना और उनका एडमिनिस्ट्रेशन के काम करना। फिर ये HSIIDC क्या करता है, भूमि का अधिग्रहण करता है, और जब भूमियों का अधिग्रहण हो जाता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, औद्योगिक बस्तियां, पार्क, निवेश पार्क आदि को विकसित करते हैं। और काफी सारी जगहों पर ये औद्योगिक प्लाट काट कर काफी सारी इंडस्ट्रीज को वहां पर हम बनाते हैं और उनको अत्यधिक, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी होती हैं जो ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे होती हैं, उनको शिफ्ट कराने का काम भी करते हैं। इसका जो मेन टारगेट है ये भी है, जो औद्योगिक रूप से जो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना और औद्योगिक इकाइयां, यूनिट का स्थापना करके बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए इंडस्ट्रियल जो भी यूनिट हैं उनको कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करना, लोन कम इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऐसे उद्यमियों को, ऐसे एंटरप्रेन्योर को सलाह देना और उनका मार्गदर्शन करना जो हरियाणा राज्य में अपनी इंडस्ट्रीज यूनिट लगाना चाहते हैं। इसका जो एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हरियाणा राज्य में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की गति को तेज करने के लिए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक पार्क, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आदि विकसित करना, विभिन्न क्षेत्रों का विकास करने के लिए डोमेस्टिक और जो फॉरेन की जो है करेंसी है, फॉरेन के जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना और उनको बढ़ावा देना। तो यहां पर हमने क्या किया है, HSIIDC के हमने 10 या 11 मेन मेन ऑब्जेक्टिव स्टडी कर लिए हैं। इसके बाद जो टॉपिक अब हमको स्टडी करने को मिलेगा वो है HFC। बट HFC को भी स्टडी करने से पहले हमारा जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर हम ये जान लेते हैं जो हमारा टॉपिक था HSIIDC, इसकी क्या रोल है, क्या फंक्शंस हैं, इसके या इसकी क्या उपलब्धियां हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल मॉडल, टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर क्लस्टर्स भी बने हैं। इंडस्ट्रियल एस्टेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, इंडस्ट्रियल प्लॉट भी लगे हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन मिलता है, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की मैनेजमेंट होती है, मतलब औद्योगिक बस्तियों का प्रबंध की बात करें, और ये काफी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज भी करता है, रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, और हमने कहीं ना कहीं अचीवमेंट ये भी की है, जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उसको भी हमने अट्रैक्ट किया है। और जो हमारी अचीवमेंट इसके अंडर में ये भी थी कि हमने काफी सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है। बट यहाँ पर हमारे पास कुछ HSIIDC की कुछ असफलताएं भी हैं जहां पर हम लोग फेल हुए हैं। जैसे हमारे पास जो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसी ज्यादा हो जाते हैं, लोन के बारे में हम मॉनिटर नहीं कर पाते, मतलब जो भी लोग या इंडस्ट्रीज लोन लेती हैं हम उसके ऊपर नजर नहीं रख पाते। फिर चौथी जो असफलता है हमारे पास वो है नॉन प्रोफेशनल मैनेजमेंट की। फिर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट होते हैं उसको अलॉट करने में हमारी कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। फिर जो सिक्स हमारे फेलियर है वो है पुअर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज हैं उनका हम प्रॉपर तरीके से रख रखाव नहीं कर पा रहे। फिर नॉट मच सक्सेसफुल इन द अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, हम जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे थे उतनी अट्रैक्ट हम नहीं कर पा रहे, वहां पे भी हम फेल हो रहे हैं। हमारा टारगेट तो ये भी था कि हम रीजनल डेवलपमेंट बराबर बराबर करें, बैलेंस तरीके से करें, तो बैलेंस तरीके से भी हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा हो गया है, जैसे गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, पानीपत, यहां पर तो ज्यादा हो गया है, पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं हम इसके मामले में फेल भी रहे हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक HSIIDC के मामले में। अब जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं यह है MNCs का, बोले तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस इन हरियाणा।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी काफ़ी सारी MNCs भी एंटर हो चुकी हैं और इनका भी काफ़ी सारा हरियाणा की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ही। तो देख लेते हैं ये क्या है। डेफिनेटली ये टॉपिक है हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हरियाणा। कहता है किसी भी देश की जो आर्थिक समृद्धि होती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वो उस देश की औद्योगिक नीति से भी होती है। कहता है कि जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प से एक विकासशील देश विकसित देश बन सकता है, मतलब डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सकती है। कहता है आज सभी जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, केवल अपने सुदृढ़ औद्योगिक आधार के कारण ही है विकास की चरम सीमा पर है। तो जो भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट तथा व्यवसाय में संबंध स्थापित करती है। तो इंडस्ट्रीज पॉलिसी है या रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उद्योगों की स्थापना, संचालन और नियंत्रण के संबंध में सरकार द्वारा बनाई जाती है। मतलब जो ये भी इंडस्ट्रीज पॉलिसीज होती हैं वो किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने को लेकर, ऑपरेट करने को लेकर, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर, उनके कंट्रोल को लेकर, ये सारी पॉलिसीज कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो किसी भी कंट्री की सुदृढ़ या प्रभावशाली औद्योगिक नीतियों के द्वारा ही हम अत्यधिक क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारा न्यायपूर्ण वितरण होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है और बैलेंस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हरियाणा की अर्थव्यवस्था का भी ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो कहता है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इंडिया का तो ग्लोबलाइजेशन हुआ ही है, इंडिया के साथ साथ हरियाणा का भी हुआ है। तो भारत का हरियाणा राज्य बहुत से देशों में आयात निर्यात कर रहा है, अपना हर मतलब लगभग बहुत सारी कंट्री के साथ अपना भी आयात निर्यात हो रहा है, भारत का हो ही रहा है, भारत का जो अपना राज्य है हरियाणा, इसका भी आयात निर्यात होता है। तो हरियाणा के जो अनुकूल भौगोलिक वातावरण है, मजबूत आधारभूत संरचना है या अनुकूल औद्योगिक नीतियां हैं, तो इसके कारण ही ग्लोबलाइजेशन में हमारी वृद्धि हुई है। मतलब अपनी जो हरियाणा की पॉलिसीज है ना, चाहे वो इन्वायरमेंट को लेकर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, या इंडस्ट्रीज पॉलिसीज को लेकर है, इसकी वजह से ही हम ना वर्ल्ड लेवल पर पहुंच पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की कंट्रीज के साथ भी हमारा भी लेना देना शुरू हो चुका है। तो हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2015 में निर्मित उपक्रम संवर्धन नीति और उद्योगी एवं निवेश विधि और मल्टीनेशनल कंपनीज को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त कर रही है, प्रदान कर रही है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डेफिनेटली यहाँ पर MNCs का ही टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि MNCs की क्या विशेषताएं हैं। पहली बात, बड़ा आकार। कहता है कि MNCs किसी भी आकार में बहुत बड़े तथा विशाल होते हैं। तो इन कॉरपोरेशन के लेन देन, सेल, लाभ खरबों में होते हैं। तो विश्व की जितनी भी प्रसिद्ध 100 बहुराष्ट्रीय निगमों का विक्रय, अगर हम 2016 में बात करें तो ये 7464 बिलियन US डॉलर था। और कुछ प्रसिद्ध ऐसी बहुराष्ट्रीय निगमों के जो कुल विक्रय थे वो कुल देशों के सकल घरेलू से भी अधिक है। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, अमेजोन, वोडाफोन, जनरल मोटर, ये सारे के सारे इसी के अंडर में आ रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक की बात करें, MNCs की जो सेकंड फीचर है वो क्या है, सहायक कंपनियों को संसाधनों का हस्तांतरण। तो बहुराष्ट्रीय जो भी निगम होते हैं, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल जो भी कॉरपोरेशन होते हैं, इनकी जो मुख्य कंपनियां हैं वे व्यावसायिक क्रियाओं में गतिशीलता के लिए अपने रिसोर्सिस, रॉ मटेरियल, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और टेक्निक को अपनी सहायक कंपनी को ट्रांसफर भी कर देती हैं। तीसरी बात, अत्यधिक या वित्तीय संसाधन। तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, के वित्तीय संसाधन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब फाइनेंस काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो इनकी कैपिटल अरबों खरबों में होने के कारण इनका जो फाइनेंशियल बेस है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा होता है। फिर नई से नई टेक्निक का यूज, ये बात हम सबको पता है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो रिसर्च के अंदर काफी सारा इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसके कारण ये नई नई टेक्निक्स को यूज करती हैं, नई नई टेक्निक्स को यूज करने में सक्षम होती हैं। तो अगर हम एक आइडिया लगाएं तो कुछ इंटरनेशनल या बहु मल्टीनेशनल जो भी कंपनियां हैं, जैसे टोयोटा है, जनरल मोटर्स हैं, आदि का रिसर्च की एक्टिविटी पर वार्षिक खर्च कितना है, 5 बिलियन से ज्यादा है। मतलब ये लोग ना नई नई इन्वेंशन देखते रहते हैं, नई नई खोज करते रहते हैं, नई नई इनोवेशन करते रहते हैं, तो वो रिसर्च करने के ऊपर ये 5 बिलियन से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा मुख्यतः पूंजी प्रधान टेक्निक का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है इंटरनेशनल मैनेजमेंट। तो जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनकी जो बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, एक से ज्यादा देशों में फैली होती हैं।
तो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मुख्य कंपनी होती है एक देश में और बाकी जो इसकी सब्सिडरीज कंपनी या हेल्प करने वाली कंपनियां होती हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग देशों में होती हैं। तो मुख्य कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों की पूंजी में 51% से लेकर 100% तक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो मुख्य कंपनियां सहायक कंपनियों के व्यवसाय पर पूरी तरह से कंट्रोल भी करती हैं। तो मतलब एक मेन कंपनी होती है, बाकी इसकी दूसरी हेल्पिंग कंपनीज कह सकते हैं। फिर बेहतर विपणन सुविधाएं, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटी। तो कहता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों के ब्रांड प्रचलित होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में इनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है और इन निगमों के पास काफी सारी मार्केटिंग की फैसिलिटीज भी काफी जबरदस्त तरीके की होती हैं। तो ये था हमारा एमएनसीज का टॉपिक। अगर हम एमएनसीज के टॉपिक को अगर थोड़ा सा और देखें तो मैं आपको वैसे ही ओरली फॉर्म में बता देता हूं एमएनसीज के टॉपिक को। हरियाणा में अगर बात करें तो हरियाणा में एमएनसीज को क्यों बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो लगभग अपना हरियाणा लगभग हमारी दिल्ली के आसपास है, इसलिए गुड़गांवा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद आदि शहरों में ना एमएनसीज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ हमारी पॉलिसी जो आई थी इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015, उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी एमएनसीज को यहाँ पर हमारा एफर्ट हो रहा है कि हम इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। चौथी जो इंपॉर्टेंट बात है एमएनसीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, हमारा है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर, हमारी जो कानून की जो व्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। पांचवी जो बात है हरियाणा की तरफ एमएनसीज के आने का, वो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो यहां पर 2001 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड भी बनाया गया था। फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो जैसे अपना हरियाणा के आसपास अपना आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, यह भी पास पड़ता है, रेलवे स्टेशन की फैसिलिटीज अच्छी हैं और रोड्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कनेक्टिविटी भी है, साथ साथ हमारे दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा या दिल्ली फरीदाबाद आगरा या दिल्ली गुड़गांव जयपुर, ये रोड भी हमारे आसपास पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण भी एमएनसीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। फिर हरियाणा के अंदर या हरियाणा के आसपास के जो एरिया है एनसीआर, यहां पर काफ़ी सारे प्रोफेशनल लोग भी हमको बहुत आसानी से मिल जाते हैं जिनको काम बहुत अच्छे से आता है। फिर हमारा है प्रोफेशनल या टेक्निकल एजुकेशन भी अपने पास है, जैसे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में साइबर सिटीज भी खुल चुकी हैं, काफ़ी सारी और टेक्निक्स भी आ चुकी हैं और हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होता है। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से एमएनसीज को हरियाणा की तरफ अट्रैक्ट होना पड़ रहा है। फिर सेटिंग अप ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये बात तो हमने अभी पढ़ा भी था कि SCZ की भी स्थापना हो चुकी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी भी बन चुकी है, इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट के बारे में बताया है मैंने आपको। गुड़गांव में चले जाओ तो साइबर सिटी है, काफ़ी जगह पे टेक्निकल कंपनीज हैं, आईटी कंपनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो चुकी हैं जिस वजह से एमएनसीज हैं वो अपने पास बढ़ रही हैं। और अगली जो पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड देख लो, अभी मेट्रोज आसपास हमारे आ चुकी हैं, है ना, लाइट इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत अच्छी रहती है ना, एयरपोर्ट हमारे आसपास रहते हैं, तो काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी है, मतलब किसी के साथ कोई विवाद हो जाए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एमएनसीज इंडिया की तरफ और कहीं ना कहीं जो हम हरियाणा का टॉपिक पढ़ रहे थे ये हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एमएनसीज के कुछ बेनिफिट्स की, एमएनसीज के टॉपिक वैसे पहले भी स्टडी कर चुके होंगे, एमएनसीज की अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो पहला बेनिफिट क्या है, ये क्या करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि जब भी एमएनसीज आती हैं तो इनके पास नई नई टेक्निक्स होती हैं तो लोगों को ये ट्रेनिंग देते हैं। फिर जब भी एमएनसीज लगती हैं तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है, क्योंकि काफ़ी सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक कंपनीज या डोमेस्टिक फर्में या फैक्ट्री अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती। अब बाहर की कंपनी हरियाणा में आ रही है तो इंडिया में आ रही है तो क्या होगा, रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से यूज़ हो पाएगा, कहीं ज़मीन खाली पड़ी है, कहीं पर फसल का पूरा उपयोग नहीं हो रहा, कहीं पर पानी का उपयोग नहीं हो रहा, कहीं पर बिजली का उपयोग नहीं हो रहा। तो जैसे ही बाहर की कंपनीज आई तो उन्होंने रिसोर्सेज का प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे फॉरेन कैपिटल की भी हमको जरूरत हमारी को पूरी हो जाती है। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट की भी सर्विसेज मिल जाती हैं। फिर काफ़ी सारे मैनेजमेंट का भी हमारा विकास हो जाता है,
और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो हमको गुड्स काफी सस्ते रेटों पर मिलती हैं, तो अल्टीमेटली काफी सारे बेनिफिट हमको मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को भी बेनिफिट होते हैं, क्योंकि जब जब एमएनसीज आती है, नई नई फर्में खड़ी होती है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, देखा देखी के अंदर ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कम करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करते हैं, लोगों को नौकरियां देते हैं, पोल्यूशन से बचाते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट होता है, लोगों का डेवलपमेंट होता है, लोगों के जीवन स्तर अच्छे होते हैं, है ना, और लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट होने स्टार्ट होती है, नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, तो एमएनसीज के आने से कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, और एमएनसीज के आने की वजह से काफी सारे नुकसान भी हैं, जैसे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि बाहर की चीजें आती है बहुत सस्ती सस्ती उन लोगों को मिल जाती है, पर लोगों को यहाँ पर नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों का शोषण भी होता है, साधनों का भी शोषण होता है, कुछ टेक्निक ऐसी होती है जो अनसुटेबल होती है, फिर भी ये लोग अप्लाई करते हैं, कस्टमर को कभी कभी धोखा होता है, क्योंकि कभी कभी झूठे विज्ञापन दिखा देते हैं, प्रोडक्ट गलत क्वालिटी के बेच देते हैं, है ना, मूल्य में प्राइसेस में चेंज कर देते हैं, प्राइसेस बढ़ा देते हैं, दूसरी कंपनियों को बंद करा देते हैं, फिर प्राइसेस एकदम से हाइक कर देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं नुकसान होता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको भी नुकसान होता है, कहीं पर तो डेवलपमेंट किसी एरिया में तो डेवलपमेंट ज्यादा हो जाती है और कुछ एरियाज हमारे डेवलप होने से रह ही जाते हैं, तो ऐसा भी होता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, ब्रेन ड्रेन की समस्या भी आती है, जैसे कुछ लोग अपने जो मेन मेन स्पेशलिस्ट लोग होते हैं अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर की फॉरेन कंट्री में चलते हैं, एमएनसीज यहाँ पे आई, यहाँ के लोगों की क्वालिटीज देखी और उन्हीं को बाहर भेज दिया, बाहर की कंट्री में शिफ्ट कर दिया, तो लोग कहीं ना कहीं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, टेक्टिशियन हैं, अच्छे अच्छे काम सीखने के बाद ये लोग फॉरेन में चले जाते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट को कम करने के प्रयास भी कर दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एमएनसीज के बेनिफिट हैं तो कहीं ना कहीं लॉस भी हैं, ठीक है, तो ये था हमारा एमएनसीज का टॉपिक। हमने कल काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है, हरियाणा की इकोनॉमी क्या है, हरियाणा की स्थापना के बारे में देखा था, कैसा हेल्थ रहा है, न्यूट्रिशन के बारे में, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन ये सब, फिर देखा था कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इन हरियाणा, हरियाणा में एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, क्रोम पैटर्न, ये सब बातें हमने कल देखी थी, एग्रीकल्चर क्रेडिट, नबार्ड के बारे में, है ना, रूरल इनडेप्थनेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इन हरियाणा, तो ये लगभग 6-7 टॉपिक हम कल 43 स्लाइड्स में कंप्लीट कर पाए हैं, तो आज आगे का हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, डेफिनेटली ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा का टॉपिक ही है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SEZ से, दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो कहता है कि भारत जैसे विकासशील देश को अपने रेगुलर अगर डेवलपमेंट के लिए अगर हम बात करें तो निर्यात को निरंतर बढ़ाना आवश्यक है, बहुत जरूरी हो गया, तो कोई भी कंट्री अगर वो डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो डेवलप करना चाहती है, रेगुलर डेवलप करना चाहती है, तो उसको क्या करना है, बाहर गुड्स भेजना होगा, तो इसी टारगेट के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों को हमने विकसित किया जा रहा है, तो निर्यात को मोटिवेट करने के लिए पहले कौन से थे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, बोले तो EPZ, पहले था EPZ, पर EPZ से भी ज्यादा फैसिलिटीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी SEZ में दे रखी हैं, कहता है कि परंतु इसकी कुछ कमियां थी, मतलब EPZ में पहले से कुछ कमियां थी, तो ये कमियां अत्यधिक कंट्रोल को लेकर अस्थिरता आदि कारण थी, तो इसीलिए EPZ को आर्थिक विशेष क्षेत्र में परिवर्तित किया गया, तो EPZ से हमारा आ गया SEZ, तो SEZ के लिए इन्होंने क्या क्या है 2000 में विशेष आर्थिक नीति, बोले तो SEZ पॉलिसी की घोषणा की गई, इसके बाद 2005 में SEZ अधिनियम 2005 हमने पारित किया गया, तो इस एक्ट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग SEZ को हमने काफी सारी सुविधाएं और काफी सारी रिबेट प्रदान की जाती है, ताकि हम SEZ के अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट को और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में अधिक से अधिक योगदान दे सकें, तो इस टॉपिक में हम डेफिनेटली ऐसी कुछ टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, तो कहता है कि जो SEZ से जो मतलब है क्या है, SEZ से मतलब उन एरिया से है जो प्राइवेट सेक्टर या जो स्टेट गवर्नमेंट है उन दोनों के द्वारा पर्सनली या ग्रुप की फॉर्म में स्थापित किए जाते हैं, मतलब या तो प्राइवेट सेक्टर ही कर लेता है या प्राइवेट या स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर इसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट का जो टारगेट है वो क्या है, हम बाहर मतलब फॉरेन के अंदर गुड्स ज्यादा से ज्यादा हम सप्लाई कर पाए, बोले तो निर्यात कर पाए, है ना, एक्सपोर्ट कर पाए, तो ये जो SEZ है
ये ईपीजेड का ही एक सुधरा हुआ रूप है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एससीजेड को ईपीजेड की अपेक्षा अधिक फैसिलिटी दी है। ये बात मैंने आपको अभी बताई थी। तो पहले ईपीजेड था, पर ईपीजेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ईपीजेड को भी एससीजेड में कन्वर्ट कर दिया गया है, पर एससीजेड को कुछ फैसिलिटीज ज्यादा दी जा रही हैं। इसलिए वर्तमान में ईपीजेड को एससीजेड में परिवर्तित कन्वर्ट कर दिया गया है। कहता है कि अप्रैल 2000 में निर्यात व निवेश, बोले तो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की घोषणा की गई। यह नीति, यह पॉलिसी आयात निर्यात नीति द्वारा नियमित की जाती थी, परंतु वर्ष 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के विकास के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 पारित किया गया और 10 फरवरी 2006 को इसको अप्लाई कर दिया गया। तो जो भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये डेट्स बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 1 अप्रैल 2010 को एससीजेड अधिनियम को अधिसूचित किया गया और हरियाणा सरकार द्वारा भी हरियाणा में एससीजेड के डेवलपमेंट के लिए हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, बोले तो हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब बात आती है कि ये जो एससीजेड एक्ट है 2005, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एससीजेड एक्ट जो है हमारे पास 2005, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, जो नए डोमेस्टिक या फॉरेन की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको हमने क्या करना है, बढ़ावा देना है, ताकि देश के आर्थिक विकास की जो रेट है उसको हम तेजी से बढ़ा सकें। दूसरा जो उद्देश्य है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, हमारी कंट्री के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो नई इंडस्ट्रीज हैं उनकी एस्टेब्लिश के द्वारा हम क्या करेंगे, नए नए इंप्लॉयमेंट की फैसिलिटीज को या इंप्लॉयमेंट की ऑपर्चुनिटीज के अंदर इंक्रीज करने वाले हैं। मतलब जब जब हम नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे, नई नई फैक्ट्रीज लगाएंगे, तो डेफिनेटली लोगों को ऑपर्चुनिटीज मिलने वाली है नौकरियों की। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना, हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको इंक्रीज करना। तो ये एससीजेड एक्ट 2005 है, उसके हमने क्या स्टडी किए हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स स्टडी किए हैं। मतलब जो डोमेस्टिक या जो भी नए डोमेस्टिक हैं या फॉरेन की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, देश के प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो लोगों को नौकरियां मिलने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने वाले हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाले हैं। ये एससीजेड एक्ट 2005 के क्या हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं कि एससीजेड के अंडर में कौन कौन सी प्रोत्साहन है, कौन कौन सी यहां पे सुविधाएं हैं, बोले तो इंसेंटिव्स फैसिलिटीज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहली बात, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित जो भी हमारी बिजनेस यूनिट हैं उनको कौन कौन से इंसेंटिव या फैसिलिटीज हैं। पहली बात, कंसेशन इन टैक्सेस। तो एससीजेड में जितनी भी हम एस्टेब्लिश करेंगे बिजनेस यूनिट को, उनको टैक्सेस के अंदर हमने कुछ डिस्काउंट दिए हैं। जैसे पहले के 5 सालों में एक्सपोर्ट की इनकम पर 100% इनकम टैक्स से मुक्ति, अगले 5 सालों पर जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उससे हुई इनकम पर 50% इनकम टैक्स से मुक्ति, और अगले 5 सालों में अगर हम दोबारा कोई री इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस री इन्वेस्टमेंट से अगर हमारा कोई एक्सपोर्ट करने से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट करने पर 50% पर हमारी इनकम टैक्स से मुक्ति होने वाली है। तो कहता है कि ये फैसिलिटी केवल उन्हीं बिजनेस यूनिट को ही मिलने वाली है जिनका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ हो, 31 मार्च 2014 या इससे पहले हुआ हो। यह था पहला पॉइंट, पहले पॉइंट के अंदर भी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसी जेड में स्थापित व्यवसायिक इकाइयों को रॉ मटेरियल व पूंजीगत वस्तुओं के आयात व सीमा शुल्क में छूट। मतलब जब हम उनको लेकर आएंगे, हमको कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ कैपिटल आइटम चाहिए, अगर उनको लेकर आते तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी आदि में भी छूट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स में भी छूट। फिर
फर्स्ट पॉइंट हमने स्टडी कर लिया, फर्स्ट पॉइंट के बाद है हमारा अभी सेकंड पॉइंट। एससीजेड में जितनी भी व्यवसायिक इकाइयां हैं एक वर्ष में 500 मिलियन यूएस डॉलर के विदेशी कमर्शियल पेपर ऋण प्राप्त करने की उनको अनुमति है। एससीजेड में जितनी भी निर्माणी इकाइयां हैं उनको स्वचालित रूप से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति है। एससीजेड में जितनी भी बिजनेस की यूनिट है किसी भी समय विदेशों से निर्यात राशि लाने की अनुमति, और एससीजेड से बाहर स्थापित व्यवसायिक इकाइयों के लिए निर्यात राशि अर्जित करने के 6 महीने के भीतर भारत में लाने की समय सीमा निश्चित है। पांचवी बात, एससीजेड यूनिट्स को स्वतंत्र हस्तांतरण व विक्रय की अनुमति। अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, कर सकते हो। एससीजेड में जितने भी बिजनेस यूनिट है उनकी एस्टेब्लिशमेंट और उनकी ऑपरेट करने की जितनी भी औपचारिकता है वो सिंपल कर दिया गया है। फिर जितनी भी बिजनेस यूनिट इसके अंदर होंगी उसमें जो लेबर एक्ट है वो फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट या डिस्प्यूट एक्ट, उन सबसे उनको मुक्ति दी गई है। फिर है हमारे पास सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 रोमन में दिया हुआ है, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थापकों के लिए प्रोत्साहन या सुविधाएं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80IB के अकॉर्डिंग एससीजेड में जितनी भी बिजनेस यूनिट है उनको स्थापित करने से 10 सालों के भीतर होने वाले लाभ पर इनकम टैक्स से मुक्ति। यह टैक्स की जो मुक्ति है एससीजेड संस्थापकों को केवल उन्हीं विषय वर्तकों के लिए प्राप्त होगी जो 31 मार्च 2012 या उससे पहले हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी हो। एससीजेड के स्थापकों को, मतलब जो भी एससीजेड लगाएगा, उसके न्यूनतम वैकल्पिक दर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, लाभांश वितरण पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में छूट। जो हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स है जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी में भी छूट। एससीजेड में डेवलप की जाने वाली सभी यूनिट के द्वारा किया जाने आयात को सीमा शुल्क से मुक्ति। एससीजेड डेवलप करने के लिए की गई जितनी भी एक्टिविटी है उन पर एक्साइज ड्यूटी तथा कस्टम ड्यूटी में उनको भी छूट दी गई है। ये थे हमारा पूरा का पूरा एससीजेड का टॉपिक। एससीजेड के अंदर हमने जो मेन मेन टॉपिक थे देख ली, कुछ डेट्स भी हमने जो मेनली दी हुई थी हमने देख ली।